वेलकम टू स्टडी गोविजीन लास्ट वीडियो में हमने लिमिटेशन एक्ट पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ा था ऐसा नहीं कि जस्ट रिविजन मारा बल्कि हमने उसे डिटेल में पढ़ा था आज की वीडियो में हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पूरा का पूरा निपटाएंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट या फिर लिमिटेशन एक्ट की अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसमें आपको मेन्स तक का मटीरियल मिलेगा क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में तो अगर आपको चाहिए तो आप उसको खरीदने के लिए हमारे ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी थी कि छत्तीसगढ़ जुडिशरी की जैसे कि फोर्टी एट पोस्ट आई हैं और आपकी मध्य प्रदेश की भी जल्द ही आई जाएंगी और फॉर्म भी जल्द ही भरवा दिए जा चुके होंगे तो लगभग लगभग मोस्ट प्रोबेबली आपका जो एग्ज़ाम है प्रिलिमिनरी वो इन दोनों का एम का भी और छत्तीसगढ़ का भी जनवरी तक तो लगभग लगभग हो ही जाएगा तो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन देनी थी वो ये है कि आपका छत्तीसगढ़ जुडिशरी की प्रिलिमिनरी की प्रिपरेशन के लिए हम एक टेलीग्राम बैच शुरू कर रहे हैं एम का भी हम जल्दी शुरू करेंगे तो ये जो छत्तीसगढ़ वाला है इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी डेली वीडियोस, ऑडियोस, लेक्चर क्लासेस वगैरह होंगी आपकी एम वगैरह आपको दिए जाएंगे कंप्लीट सिलेबस आपका कराया जाएगा वन आवर का सेशन भी हम रखेंगे डेली और जब आपकी प्रिलिमिनरी की डेट अनाउंस हो जाएगी आपको मॉक टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड की जाएंगी तो ये जो बैच है आपका ये ट्वेंटी अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है जल्द से जल्द आप लोग इसको ज्वाइन कीजिए क्योंकि फिर जो क्लास हो जाएंगी वो तो आपकी रही जाएंगी ना तो इसलिए जितना जल्दी हो सके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं बाकी एक ऑडियो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी को वि पर भी मिल जाएगा जिसमें पूरी जानकारी इस बैच के बारे में आपको दे दी जाएगी और अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं और इसका जो प्राइस है वो ट्वेंटी फोर हंड्रेड रुपीज़ है तो जो भी मेरे वीडियो लेक्चर रहते हैं जैसे कि लिमिटेशन एक्ट करा दे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आज हो ही गया है इनका पीडीएफ भी आपको वहां पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा इसलिए आपको फिर अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है वहीं पर मिलता रहेगा जो भी हमारे वीडियो लेक्चर का पीडीएफ होगा वो तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो अब अगर हम बात करें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के इंट्रोडक्शन की तो ये जो नाइनटीन वाला है ये आपका आया है रिप्लेस करके एटीन वाले को और रिप्लेसमेंट हुआ था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ लॉ कमीशन रिपोर्ट 1958 जो आपने याद रखना है एमसीक्यू के पर्पज के लिए तो बेसिकली डिफरेंस ये है इन दोनों एक्ट में कि 1877 वाला जो था उसमें भी थी काफी सारी प्रोविजन के साथ साथ बट 1963 में आपको ये जो लिस्ट्रेशन वगैरह हैं सेक्शन के साथ देखने को नहीं मिलती है तो बेसिकली 1963 वाला स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपका इनेक्ट हुआ था 13 दिसंबर 1963 को और ये लागू हुआ 1 मार्च 1964 से इस एक्ट को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है पार्ट वन प्रिलिमिनरी है जिसमें सेक्शन वन से लेकर सेक्शन फोर तक है पार्ट टू और पार्ट थ्री यहां पर किया गया चैप्टराइजेशन जिसमें आपका सबसे पहले पार्ट टू की अगर हम बात करें तो पार्ट टू में दिया है चैप्टर वन से लेकर चैप्टर सिक्स तक और इन चैप्टर्स में कवर होती है स्पेसिफिक रिलीफ जिसमें है आपके सेक्शन फाइव से लेकर सेक्शन थर्टी फाइव तक पार्ट थ्री में चैप्टर सेवन चैप्टर एट है जो कि प्रिवेंटिव रिलीफ से डील करते हैं और इसमें आपके सेक्शन थर्टी सिक्स से लेकर सेक्शन फोर्टी टू तक दिए गए हैं इन चैप्टर्स को कैसे याद करें इसके लिए एक ट्रिक है जो कि टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का ऑब्जेक्ट अगर हम देखें तो यही है कि जो भी सर्टेन काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ यहाँ पर हम बात करेंगे उनसे संबंधित जो भी लॉ है उनको डिफाइन करना उनमें अमेंडमेंट करना तो ये सवाल आता है कि स्पेसिफिक रिलीफ होती क्या है स्पेसिफिक रिलीफ वो रिलीफ होती है जो कि कंपेंसेटरी रिलीफ से अलग होती है जो कि पिक्यूनेरी रिलीफ से अलग होती है ऐसी रिलीफ जिसको सिविल कोर्ट में हम ऑब्टेन कर सकते हैं इसके लिए हम इन फर्स्ट टाइटल होते हैं, जो कि बेस्ड होती है इक्विटी फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रॉपर्टी किसी ने अपने कब्जे में ले लिया है तो उसके बदले में अगर आपको पैसे दिलवाए जाए तो क्या ये एडिक्वेट रिलीफ होगी नहीं ना इससे ज्यादा एडिक्वेट रिलीफ क्या होगी कि उसका पोजेशन आपको दिलाया जाए तो ये है स्पेसिफिक रिलीफ इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है कि आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उसने आपके कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया तो अब आपको उस ब्रीच के बदले में अगर कंपनसेशन दिलवाया जा रहा है तो क्या उससे आपको संतुष्टि मिलेगी नहीं मिलेगी ना इसलिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाई जाती है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आपके कॉन्ट्रैक्ट की और ये क्या है स्पेसिफिक रिलीफ है क्योंकि पहली मरतबा हम इसी रिलीफ के लिए एंटाइटल होते हैं और ये ऐसी रिलीफ होती है जो आपको ऑप्टनेबल होती है सिविल कोर्स में ही तो इस तरह से जो आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ये सिविल प्रोसीजर कोड का सप्लीमेंट्री माना जाता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के इसको कॉन्ट्रैक्टिनेट माना जाता है ये एंड प्रोटेक्टिव नेचर का है और एक प्रोसीजरल लॉ है तो जो भी रिलीफ आपकी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट प्रोवाइड करता है उनको अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है चैप्टर नंबर वन में सेक्शन फाइव से लेकर सेक्शन एट तक दिए गए हैं रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में चैप्टर नंबर टू में सेक्शन नाइन से लेकर ट्वेंटी फाइव तक दिए गए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में चैप्टर नंबर थ्री में सेक्शन ट्वेंटी सिक्स दिया गया रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में चैप्टर नंबर फोर में सेक्शन ट्वेंटी सेवन से लेकर थर्टी तक दिए गए हैं रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में चैप्टर नंबर फाइव में सेक्शन थर्टी वन से लेकर थर्टी थ्री तक दिए गए हैं कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में चैप्टर नंबर सिक्स में थर्टी फोर से लेकर थर्टी फाइव तक की जो सेक्शन है वो कवर करता है डिक्लेरेटरी डिक्री को लास्टली जो आपके चैप्टर सेवन चैप्टर एट है वो इंजंक्शन के बारे में है और इन दोनों चैप्टर में आपके कवर होता है सेक्शन थर्टी सिक्स से लेकर सेक्शन फोर्टी टू तक तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीफ आपको मिलते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के पार्ट वन में सेक्शन वन से लेकर सेक्शन फोर तक दिए गए हैं जो की स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं इसलिए हम इसको कहते हैं प्रिलिमिनरी पार्ट सबसे पहले इसमें दिया गया सेक्शन वन जो ये बताता है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का टाइटल क्या होगा नाम क्या होगा नाम ये होगा द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 पूरे इंडिया में ये अप्लाई होगा पूरे इंडिया में एक्सटेंड होगा दूसरी चीज तीसरी चीज लागू हुआ फर्स्ट मार्च 1964 से तो ये जानकारी हमें सेक्शन से मिलती है सेक्शन टू में कुछ चीजों की डेफिनेशन दी गई है सबसे पहले क्लोज ए में बताया गया है ओब्लीगेशन के बारे में कहा गया है कि ओब्लीगेशन का मतलब होता है हर एक ड्यूटी जिसको बाय द लॉ आप एनफोर्स कर सकते हैं और ड्यूटी के साथ आपको पता ही है कि अटैच होता है राइट right. क्योंकि हर एक ड्यूटी किसी ना किसी राइट right के साथ को करती है यह आपने जूरिस में पढ़ा होगा राइट एंड ड्यूटी

डिस्पोज ऑफ करने की बात की गई है किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में तो उसको हम कहेंगे सेटलमेंट क्लोज सी में बताया गया है कि ट्रस्ट का मतलब वही होगा जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट के सेक्शन थ्री में बताया गया है नेक्स्टली क्लोज डी में ट्रस्टी को डिफाइन किया गया है यानी कि हर एक वो पर्सन जो कि ट्रस्ट में क्या करता है प्रॉपर्टी को होल्ड करता है जिसका ट्रस्ट के तहत किसी प्रॉपर्टी में मैनेजमेंट होता है क्लोज ई e में ये कहा गया है कि अगर कोई वर्ड ऐसा है जो आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है बट डिफाइन किया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो वही मतलब यहां पर उसका निकाला जाएगा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसका दिया गया है फॉर एग्जाम्पल कंसिडरेशन जो है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में डिफाइन नहीं है बट बार बार कंसिडरेशन वर्ड का यहाँ पर यूज होता है तो उस कंसिडरेशन का मतलब वही होगा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है ये चीज आप ध्यान रखना क्योंकि प्री में पूछी जाती है सेक्शन थ्री सेविंग क्लोज जो कि ये कहता है कि अगर कहीं पर एक्सप्रेसली प्रोवाइड किया गया है उसको छोड़ के स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में चाहे कुछ भी क्यों ना लिखा हो उसका ना ये इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट के तहत अगर कोई और रिलीफ के लिए कोई पर्सन एंड है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अलावा उससे भी उसको क्या कर रहे हैं डिप्राइव कर रहे हैं दूसरी चीज ना ही स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की कोई बात किसी डॉक्यूमेंट पर जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का ऑपरेशन होता है उसको अफेक्ट करेगी और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कि स्पेसिफिक रिलीफ रिलीफ ऐसी relief होनी चाहिए जो सिविल कोर्ट में हम प्राप्त कर सकते हो तो इसीलिए सेक्शन फोर ये कहता है कि जो स्पेसिफिक रिलीफ है ना वो सिर्फ इसलिए ग्रांट की जाती है ताकि किसी इंडिविजुअल के सिविल राइट right को इन्फोर्स किया जा सके ना कि इसलिए कि पेनल लॉ को एन्फोर्स किया जा सके तो इस तरह से सेक्शन ये इंडिकेट ये करता है कि यहाँ पर जो मेयर वर्ड लिखा है इसका मतलब यही है कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है उसका सोल ऑब्जेक्ट पिनल लॉ या क्रिमिनल लॉ का इन्फोर्समेंट नहीं होना चाहिए बल्कि होना चाहिए क्या इंडिविजुअल के सिविल राइट right का इन्फोर्समेंट इंडिविजुअल के सिविल राइट right का प्रोटेक्शन आगे जो पार्ट टू दिया गया है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है इसमें आपके सेक्शन फाइव से लेकर सेक्शन एट तक दिए गए हैं जो ये बताते हैं कि प्रॉपर्टी के पोजेशन को कैसे रिकवर किया जाए सबसे पहले जो आपका सेक्शन फाइव एंड सेक्शन सिक्स है यहाँ पर ही बताया गया है कि प्रॉपर्टी का पोजेशन हम कोर्ट को अप्रोच करके कैसे रिकवर कर सकते हैं सेक्शन सेवन एंड सेक्शन एट में बात की गई है मूवेबल प्रॉपर्टी की मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन हम कैसे रिकवर कर सकते हैं बाय अप्रोचिंग द कोर्ट सेक्शन फाइव ये कहता है कि अगर कोई पर्सन किसी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं आपकी लैंड हो गई हाउस वगैरह हो गया तो अगर कोई व्यक्ति किसी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए एंटाइटल तो अपना टाइटल स्टेब्लिश करके टाइटल टाइटलिश करने की जरूरत तब पड़ेगी जब मान लो वो प्रॉपर्टी किसी और व्यक्ति के पोजेशन में जो ऑनर है उसके पोजेशन में नहीं है तो जो ऑनर है वो अपना टाइटल वगैरह स्टेब्लिश करके अपनी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकता है उसी मैनर में जैसा कि सीपीसी में बताया गया है और इस चीज के लिए जो ऑनर है उसको टाइम मिलता है बारह सालों का यानी कि जिस दिन से उस व्यक्ति का जो उसकी स्पेसिफिक इमोवेबल प्रॉपर्टी में है पोजेशन क्या हो जाता है एडवर्स हो जाता है उस दिन से बारह सालों के अंदर जो ऑनर है उसको क्या करना पड़ेगा सूट फाइल करना पड़ेगा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन के, के तहत और जो उसका पोजेशन है स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में वो रिकवर कराया जाएगा सीपीसी में जो तरीका बताया गया है उस तरीके से तो यहाँ पर सेक्शन फाइव के तहत जो सूट डलता है ना इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है अपना टाइटल स्टेब्लिश करना पड़ता है अगर आपके पास जो टाइटल है उसका पोजेशन है तो वो इनफ है अंडर सेक्शन फाइव आपका सूट मेंटेन करने के लिए सेक्शन सिक्स में अगर हम देखें तो सबसे पहली बात ये कही गई है कि अगर किसी पर्सन को इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया जाता है बिना उसके कंसेंट के और ये चीज इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ नहीं हुई है लाइक बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट ये चीज नहीं हुई है फॉर एग्जांपल आप किसी पर्टिकुलर घर में किराए पर रह रहे हैं और आपको किराए के घर से बिना आपके कंसेंट के निकाल दिया जाता है और ये चीज़ कोर्ट के ऑर्डर पर भी नहीं हुई है तो तब आप या फिर वो पर्सन जिससे आपको उस घर का पोजेशन मिला था फॉर एग्जाम्पल कोई एजेंट वगैरह भी हो सकता है या फिर कोई भी जो आपके थ्रू क्लेम कर रहा है क्या कर सकते हैं सेक्शन के तहत सूट फाइल करके उस प्रीवियस एक्चुअल फिजिकल को ये लाइन याद रखनी है उस प्रीवियस एक्चुअल फिजिकल पोजेशन को रिकवर कर सकते हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऐसे सूट में किसका टाइटल सेटअप होता है क्योंकि ऐसे सूट में टाइटल के बारे में तो बात ही नहीं की जाती है देखा जाता है कि क्या वो व्यक्ति प्रीवियसली उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के एक्चुअल फिजिकल पोजीशन में था पहली चीज ये देखी जाती है तो सेक्शन सिक्स के तहत अगर आप सूट फाइल कर रहे हैं तो ये चीज आपको प्रूव करनी पड़ेगी सेकेंडली जिस दिन आपको डिसपोजिश किया गया उस दिन से छह महीनों के अंदर आपका सूट फाइल होना चाहिए सेक्शन सिक्स के तहत थर्डली वो सूट अगेंस्ट दी गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए तो ये सब चीजें जब स्टेब्लिश हो जाएंगे प्रूव हो जाएंगी तो तब आपको सेक्शन सिक्स के तहत रेमेडी दी जाएगी आपका पोजेशन जो था प्रीवियस एक्चुअल फिजिकल पोजेशन वो आपको कोर्ट रिकवर करके देगी और ऐसे सूट में जो भी ऑर्डर जो भी डिक्री कोर्ट पास करेगी उसकी ना तो अपील लाए करेगी और ना ही रिव्यू लाए करेगा हालांकि रिव्यूजन हो सकता है तो इस तरह से मान लो होता यह है कि मेरे पास कोई लैंड है कोई स्पेसिफिक इन्वोअल प्रॉपर्टी जो कि है लैंड वो मेरे पास है उसकी ऑनरशिप मेरे पास है उसका टाइटल मेरे पास है यानी कि उसकी ऑनर मैं हूँ और उस लैंड पर मेरे चाचा ताऊ के बच्चे रहते हैं तो मैंने क्या किया उनको उस लैंड से हटवा दिया डिस्पोजेस कर दिया तो तब वो क्या कर सकते हैं जिस दिन उन्होंने डिस्पोजेस किया उस दिन से छः महीने के अंदर मेरे अगेन सूट फाइल कर सकते हैं सेक्शन सिक्स के तहत और उनका जो पोजेशन था प्रीवियस एक्चुअल फिजिकल पोजेशन उसको रिकवर कर सकते हैं लेकिन अब मैं क्या करूं मेरे पास तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना क्योंकि मैं तो ऑनर थी ना मुझे तो हक बनता था उन्हें निकालने का लेकिन ये चीज कि कोई भी जो कानून है वो अपने हाथों में नहीं ले सकता है तो मैं कैसे हाथों में अपने कानून को ले सकती थी जो मैंने क्या कर दिया अपने चाचा ताऊ के बच्चों को निकाल दिया लैंड से इसीलिए आपका सेक्शन सिक्स लाया गया है तो अब मेरा क्या होगा तो सब सेक्शन फोर में मेरे लिए कुछ बात कही गई है कही ये गई है की जैसे कि मैं ऑनर थी उस लैंड की तो यहां पर अब मैं क्या कर सकती हूं जैसे कि कोर्ट ने मेरे चाचा ताऊ के बच्चों को वो लैंड का जो पोजेशन था वो रिकवर करके दे दिया है तो अब ऐसे ऑर्डर और डिक्री की अपील नहीं की जा सकती है रिव्यू नहीं किया जा सकता है बस रिविजन वगैरह हो सकता है तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूंगी मैं अपना सूट फाइल करूंगी सेक्शन फाइव ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत वहां पे मैं अपना टाइटल स्टेब्लिश करूंगी और अपना जो लैंड है उसका पोजेशन रिकवर करूंगी तो यह है कहानी इन दोनों सेक्शन की सेक्शन सेवन फाइव की तरह ही है यहाँ पर डिफरेंस ये है कि सेक्शन सेवन में मूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन की रिकवरी की बात की गई है और इसके लिए सूट फाइल करना होता है तीन सालों के अंदर तो सेक्शन सेवन सिंपल शब्दों में ये कहता है कि अगर कोई पर्सन किसी स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए एंटाइटल है चाहे वो एज अ ट्रस्टी एंटाइटल है एज अ बेली पाउनी और फाइंडर या फिर बायर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंटाइटल है यानी कि उस व्यक्ति का उस मूवेबल प्रॉपर्टी के प्रेजेंट पोजेशन में चाहे टेम्प्ररी राइट right हो या फिर स्पेशल राइट right हो वो उस मूवेबल प्रॉपर्टी को उस तरीके से रिकवर कर सकता है जैसा कि सीपीसी में बताया गया है इतनी सी बात सेक्शन सेवन कहता है सेक्शन एट थोड़ा इमोशनल सेक्शन है और इसी कंटेक्स्ट में जेरमी बेंथम का कहना है कि जो सोल पर्पज़ होता है लॉ का वो ये होता है कि मुझे वो चीज़ दी जाए जो मेरी है उसके बदले में मुझे कोई और चीज़ या पैसा वगैरह देने के लिए कंपेल ना किया जाए हालांकि मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी मुझे वो दिया जाए जो मेरा है उसके बदले में मैं कोई और चीज एक्सेप्ट नहीं करूंगा मेरा एटीट्यूड है ये क्यों करूं मैं एक्सेप्ट उसके बदले में कोई और चीज ये बात अलग है कि मेरे पास अगर ऑल्ट हो बदले में आप मुझे फरारी दे दो लास्ट वाइल लाइन थोड़ा कट कर देना इसको ज्यादा रिलेट मत करना क्योंकि इस बात से कोई रिलेशन नहीं है इसके अलावा एक एग्जाम्पल है जब भी मैं इस सेक्शन को पढ़ती हूँ वो मुझे ध्यान आता है जो कि एक स्टोरी है कि होता यह है कि एक लकड़हारा ना अपनी लकड़ियां काट रहा होता है और जब वो लकड़ियाँ काट रहा होता है तो उसकी जो कुल्हाड़ी होती है वो उसके हाथ से छुट नदी में जा गिरती है अब वो कुल्हाड़ी तो नदी में चली गई तो अब लकड़हारा रोना शुरू कर देता है आ, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई अब क्या मैं क्या करूँगा मैं रोजी रोटी कैसे कमाऊंगा मेरे तो बाल बच्चे हैं छोटे छोटे उनका पेट कैसे भरूंगा <laughs> तो तभी क्या होता है चमत्कार होता है चमत्कार ये होता है कि नदी में से निकल के आती है एक परी जिसके पास होती है चांदी की कुल्हाड़ी और वो कुल्हाड़ी लकड़हारे को देती है लकड़हारा उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देता है वो बोलता है कि नहीं ये नहीं है मेरी कुल्हाड़ी मेरी तो बहुत नॉर्मल सी कुल्हाड़ी थी लकड़ी लुकड़ी की फिर जो परी होती है वो दोबारा नदी में जाती है और फिर निकल के आती है नदी में से और अब की बार उसके पास होती है सोने की कुल्हाड़ी तो सोने की कुल्हाड़ी वो लकड़हारे को ऑफर करती है और जो लकड़हारा होता है वो उसको भी लेने से मना कर देता है ईमानदारी देख रहे हो बंदेगी अब की बार ये होता है कि जो परी है वो दोबारा नदी में जाती है और जो लकड़हारे की कुल्हाड़ी थी वही निकाल कर लाती है और वो उसको ऑफर करती है तो लकड़हारा उसको एक्सेप्ट कर लेता है ये कह के कि हाँ यही है मेरी कुल्हाड़ी और ले लेता है वो उससे क्योंकि जो लॉ है उसका पर्पस है मुझे वो देना जो मेरा है आप मुझे कंपेल नहीं कर सकते हो कि उस चीज के बदले में मैं कोई और चीज़ ले लूँ या पैसे वगैरह ले लूँ क्योंकि जो बात है ना वो होती है अटैचमेंट की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हमें बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है और हम जो भारत के लोग हैं हम बहुत ही ज़्यादा मजे के लोग होते हैं हमें ना हर एक चीज़ से बहुत अटैचमेंट हो जाता है छोटी छोटी चीज़ से अगर कोई पत्थर भी दे देना गिफ्ट में उससे भी अटैचमेंट हो जाता है तो उसके बदले में अगर हमें कोई और चीज़ दी जाए उससे हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी और हमारी इसी संतुष्टि को प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्शन एट इनकॉर्पोरेट किया गया है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में तो सेक्शन ईडी कहता है कि अगर कोई पर्सन किसी मूवेबल आर्टिकल को पजेस किए हुए है या फिर उस पर उसका कंट्रोल है और वो ऐसा पर्सन है जो उस मूवेबल आर्टिकल का ऑनर नहीं है तो उस पर्सन को क्या किया जा सकता है सेक्शन एट के तहत कंपेल किया जा सकता है कि आप उस मूवेबल आर्टिकल के ऑनर नहीं हो तो आपको क्या करना चाहिए उस व्यक्ति को जो कि उस मूवेबल आर्टिकल के इमीडिएट पोजेशन के लिए एंटाइटल है उसको क्या करो आप स्पेसिफिकली डिलीवर करो वो भी सिर्फ और सिर्फ तभी जब यहां पर जो बातें बताई गई हैं ये चार बातें जो कही गई हैं इनमें से कोई एग्जिस्ट करती है लाइक like, वो चीज जो क्लेम की गई है जो मूवेबल आर्टिकल क्लेम किया गया है वो डिफेंडेंट ने हेल्ड किया हुआ था के एजेंट या ट्रस्टी के रूप में फॉर एग्जाम्पल एक केस था वुड वर्सेज रॉकलिफ इस केस में हुआ ये था कि एक पर्सन विदेश गया अपना फर्नीचर अपने फ्रेंड के पास छोड़ के कि जो उसका फ्रेंड है वो एज अ ट्रस्टी क्या करेगा उसके फर्नीचर की देखभाल करेगा तो अब जो पर्सन एब्रॉड गया है वो वापस आने पर क्या कर सकता है अगर उसका फ्रेंड उसका फर्नीचर उसको वापस नहीं देता है वो क्या कर सकता है सेक्शन एट के तहत अपने फ्रेंड को कंपेल कर सकता है कि वो स्पेसिफिकली उस पर्सन को डिलीवर करवाया जाए उसका फर्नीचर क्योंकि उसका जो फ्रेंड है वो बाउंड है सेक्शन एट के तहत उस फर्नीचर को सेम कंडीशन में उस पर्सन को लौटाने के लिए दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि जो चीज़ क्लेम की गई है जो मूवेबल आर्टिकल क्लेम किया गया है उसके बदले में अगर क्या किया जाए कंपनसेशन मनी के रूप में दिया जाए तो ये चीज़ एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगी या फिर ऐसा हो सकता है कि ये चीज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है असर्टेन करना कि उस चीज़ के लॉस से कितना एक्चुअल डैमेज हुआ है या फिर ये हुआ था कि जो पोजेशन है उस चीज का जो चीज क्लेम की गई है सेक्शन एट के तहत वो रॉन्गफुली फ्रॉम द प्लानिव ट्रांसफर हुआ था तो यहां पर जो बी और सी क्लोज है इनके लिए एक्सप्लेनेशन में ये कहा गया है कि जो कोर्ट है जब तक कि कॉन्ट्ररी प्रूव नहीं होता तब तक इन कंडीशन की एग्जिस्टेंस के बारे में जो अवधारणा कोर्ट लगाएगी वो होगी रेबिटल प्रिजम्पन ऑफ लॉ क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है शेल प्रिज्यूम तो इसलिए जब तक कि इनके कॉन्ट्ररी प्रूव नहीं कर दिया जाता तब तक कोर्ट यही मानेगी कि जो मूवेबल आर्टिकल है उसके बदले में अगर मनी के रूप में कंपनसेशन दिया जाए तो ये चीज प्लेंटिव को एडिक्वेट रिलीफ नहीं देगी दूसरी चीज ये कि जो एक्चुअल डैमेज होगा उस मूवेबल आर्टिकल के लॉस से वो कितना होगा ये चीज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है असरटेन करना तो ये प्रिजम्पन कोर्ट ड्रॉ करेगा आगे जो दिया गया है चैप्टर टू इसमें सेक्शन नाइन से लेकर ट्वेंटी फाइव तक दिए गए हैं और ये सेक्शन बताते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो जैसा कि मान लो होता यह है कि आप और मैं आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अच्छे से बताया गया है तो जो भी कंडीशन होती हैं उन सब को फुलफिल करके हमने क्या किया है एक कॉन्ट्रैक्ट किया है आपस में कॉन्ट्रैक्ट ये था कि मैंने आपको वादा किया कि मैं आपको टेन थाउजेंड रुपीज़ दूँगी और आप उसके बदले में मुझे ट्वेल्व बैग्स ऑफ सीमेंट देंगे मैंने आपको टेन थाउजेंड रुपीज़ दे दिए बट आपने मुझे कितने बताए थे वैसे मैंने पंद्रह बैग हाँ पंद्रह बैग ऑफ़ सीमेंट आपने मुझे नहीं दिए तो अब यहाँ पे क्या होता है आपने क्या कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट का ब्रिज कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशन टर्म्स वगैरह थी उसको आपने वायलेट कर दिया मैंने आपको बोला था कि आपको मैं इतने पैसे दूंगी उसके बदले में आप सीमेंट के बैग देंगे आपने सीमेंट के बैग नहीं दिए तो अब आप हुए पार्टी एट ब्रिज और मैं हुई पार्टी सफरर तो जो पार्टी एट ब्रीज है उसके अगेंस्ट मुझे क्या क्या रेमेडी मिल सकती है एक तो रेमेडी जो फर्स्ट इंस्टांस पे मुझे मिलनी चाहिए वो होती है स्पेसिफिक रिलीफ और वो स्पेसिफिक रिलीफ कौन सी है वो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि मैं एंटाइटल होती हूँ कि मैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत आपके अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट फाइल करूं जिसका मतलब है आपसे वो कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे बीच हुआ था उसकी जो भी शर्तें हैं उसमें जो भी बातें लिखी हैं उसको एक्चुअली एग्जीक्यूट करवाया जाए इसके अलावा दूसरी चीज क्या की जा सकती है कि उसके बदले में कंपनसेशन ले लूं तो ये चीज ज्यादा मजा नहीं आ रहा ना इसमें तो इसीलिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडी देता है तो सेक्शन नाइन अगर हम देखें सबसे पहले तो ये सेक्शन ये कहता है कि चैप्टर टू जो है ना स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का यहां पर जो भी रिलीफ बताए गए हैं उनमें से कोई भी रिलीफ का क्लेम करने अगर आप आते हैं फॉर एग्जाम्पल आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट जो दूसरा व्यक्ति था वो क्या कर दिया है ब्रीच कर दिया है तो अब यहाँ पर आप आगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए एस के चैप्टर नंबर टू के तहत तो अब जो व्यक्ति ब्रीच किया है अगर उसके पास कोई ग्राउंड है अपनी डिफेंस में पेश करने का जो कि उसको कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित जो लॉज हैं उनके तहत मिलता है तो वो अपना वो ग्राउंड अपनी डिफेंस में पेश कर सकता है फॉर एग्जाम्पल वो ये कह सकता है कि जिस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस टाइम पर वो तो इनकॉम्पिटेंट था कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए या फिर वो ये कह सकता है कि ये जो एग्रीमेंट है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत वॉइड है या फिर जो अदर और ग्राउंड मिले हुए हैं लाइक मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया था फ्रॉड हुआ उसके साथ अंडू इन्फ्लुएंस किया गया कोवर्शन किया गया मतलब उसकी इस तरह से फ्री कंसेंट नहीं थी बिना फ्री कंसेंट के वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो जो भी ग्राउंड उसको कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड लॉज में मिले हुए हैं उनको वो उठा सकता है यहाँ पर अपनी डिफेंस में पेश कर सकता है जब तक कि इसके विपरीत स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, में, में संशोधन किया गया था और उससे पहले ये चीज कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर आधारित थी कि, कि किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करानी है या नहीं करानी है बट ये जो अमेंडमेंट हुआ 2018 में इस अमेंडमेंट के बाद सेक्शन 10 में शेल वर्ड सब्सटीट्यूट किया गया और अब कोर्ट के ऊपर ये चीज़ मैंडेटरी हो गई है ऑब्लिगेटरी हो गई है कि जो कोर्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को एनफोर्स कराएगा ग्रांट करेगा जब तक कि यहां पर जो बाकी सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं इन सेक्शंस में वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो क्या है वो सरकम जिनमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं की जाएगी तो पहली सिचुएशन दी गई है सेक्शन इलेवन के सबसेक्शन टू में यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किया गया है ट्रस्टी के द्वारा जो उसको ट्रस्ट के तहत पावर मिली थी ना उसको एक्सेस करके उसके आगे बढ़ के उसने क्या कर दिया कॉन्ट्रैक्ट कर दिया या फिर ट्रस्ट में जो कंडीशन लिखी थी टर्म्स एंड कंडीशन उनको ब्रीच करके उसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं कराएगा फॉर एग्जाम्पल ए जो होता है उसको किसी लैंड का ट्रस्टी बनाया जाता है और उसको पावर होती है कि वो सात साल तक उस लैंड को लीज पर दे सकता है बट जो ट्रस्टी है वो क्या करता है दी गई पावर को एक्सीड कर जाता है यानी कि वो एंटर करता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बी के साथ जिसमें वो बी को ग्रांट करता है उस लैंड का लीज दस सालों के लिए तो इस तरह का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्पेसिफिकली परफॉर्म करने के लिए कोर्ट कंपेयर नहीं कर सकती है सेक्शन 14 में चार क्लोज दिए गए हैं ए बी सी डी और यहां पर बताया गया है चार परिस्थितियों के बारे में जब आपको कोर्ट ग्रांट नहीं करेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाली रिलीफ तो इस तरह से सेक्शन 14 भी क्या है सेक्शन टेन में दिए गए जनरल रूल का एक्सेप्शन है तो सबसे पहले क्लोज ए में यह कहा गया है कि मान लो आप और मैं क्या कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में और मैंने आपके कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया तो मैं हुई पार्टी ब्रीच और आप हुए पार्टी सफरर तो अगर आप क्या करते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने ब्रीच किया था उसका सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस करा लेते हैं किसी थर्ड पार्टी से या फिर आपकी खुद की एजेंसी से अंडर सेक्शन ट्वेंटी ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट तो तब अब मेरा क्या रोल रहेगा अब मुझे कैसे कोर्ट कंपेल कर सकती है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को अब मैं भी स्पेसिफिकली परफॉर्म करूं और यहां पर आप रिलेट कर सकते हैं सेक्शन फोर्टी वन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसके साथ ही जो आपका आगे दिया गया है ना सेक्शन सिक्सटीन जो कि एक्सेप्शन है सेक्शन 10 में दिए गए जनरल रूल का उसके क्लोज ए में भी यही कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति क्या कर लिया है सब्सिट्यूटेड परफॉर्मेंस करा लिया है कॉन्ट्रैक्ट की सेक्शन ट्वेंटी के तहत तो तब उस व्यक्ति के फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाली रिलीफ कोर्ट ग्रांट नहीं करेगा उसके फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं कराई जाएगी तो जैसा कि यहां पर सेक्शन ट्वेंटी का जिक्र आया है तो हम सेक्शन ट्वेंटी को भी हाथों हाथ निपटा लेते हैं सेक्शन ट्वेंटी में बात की गई है सब्सिट्यूड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तो सबसे पहली चीज़ इन्होंने यहाँ पर ये यह कही है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो भी प्रोविजंस हैं उनमें जो भी जनरल बातें कही गई हैं उनके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और साथ ही अगर पार्टीज आपस में एग्री हो गई हैं तो उस चीज़ को भी छोड़कर यहाँ पर ये यह कह रहे हैं कि अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इस वजह से टूट जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट की कोई पार्टी क्या करती है उसका प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करती है तो इस तरह से जो पार्टी परफॉर्म नहीं की है प्रॉमिस उसको हम कहेंगे पार्टी एट ब्रीच और इस प्रॉमिस को परफॉर्म ना करने की वजह से जिस पार्टी को नुकसान हुआ है उसे हम कहेंगे पार्टी सफरर तो यहाँ पर जो पार्टी सफरर है वो क्या कर सकती है उसके पास ऑप्शन है कि वो वो प्रॉमिस जो कि पार्टी एट ब्रीच ने परफॉर्म करना था उसकी जगह कर सकती है सब्सिट्यूट थर्ड पार्टी को या फिर उसकी खुद की एजेंसी को और इस तरह से पार्टी सफरर थर्ड पार्टी से या फिर खुद की एजेंसी से उस प्रॉमिस को परफॉर्म करवा सकती है तो यह चीज हो जाएगी अब क्या सब्सिट्यूटेड परफॉर्मेंस जिस व्यक्ति ने परफॉर्म करना था उसकी जगह किसी और से परफॉर्म करवाया जा रहा है अब यहां पर पार्टी एट ब्रीच जो है वो लायबल होगी किस चीज के लिए कि उसने जो अपना प्रॉमिस नहीं निभाया उसकी वजह से जो भी पार्टी सफरर को नुकसान हुआ है खर्चा आया है कॉस्ट वगैरह लगी है उसको रिकवर करने के लिए और यहां पर पार्टी सफरर क्या करा रही है सब्सिट्यूट परफॉर्मेंस अगर करा रही है तो ये चीज़ उसको करने से पहले क्या करना पड़ेगा एक कंडीशन दे रखी है उसको फुलफिल करना पड़ेगा कंडीशन यह है कि पार्टी एट ब्रीज को पार्टी सफर ने तीस दिन का नोटिस देना पड़ेगा राइटिंग में कि भाई आ जा और ये जो प्रॉमिस था तेरा उसे परफॉर्म कर ले और तब भी अगर वो परफॉर्म नहीं करता है या फिर मना कर देता है पार्टी एट ब्रिज जो है तो तब उसके बाद ही आप सेक्शन ट्वेंटी के तहत अपनी खुद की एजेंसी से या फिर थर्ड पार्टी से सेम चीज परफॉर्म करवा सकते हैं जो कि पार्टी एट ब्रीच ने परफॉर्म करनी थी और सबसेक्शन वन के तहत जो एक्सपेंस और कॉस्ट वगैरह रिकवर करने के लिए पार्टी सफर टाइटल हो रही है वो सिर्फ तभी एनटाइटल होगी जब वो करा लेती है उस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस थ्रो अ थर्ड पार्टी या फिर खुद की एजेंसी से अदरवाइज एनटाइटल नहीं होगी और अगर आपने एक बार थर्ड पार्टी से या फिर की एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट का सब्सटिट्यूटेड परफॉर्मेंस करा लिया तो तब आप पार्टी एट ब्रीच के अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जो रिलीफ है उसे क्लेम नहीं कर सकते हैं लेकिन 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 सेक्शन ट्वेंटी में जो भी बातें हमने पढ़ी वो बातें पार्टी सफरर को पार्टी एट ब्रीच से कंपनसेशन का क्लेम करने से नहीं रोकती हैं ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है तो ये था आपका सेक्शन ट्वेंटी यानी कि सबसे परफॉर्मेंस अगर आपने करा ली तो तब आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जो रेमेडी है जो रिलीफ है वो कोर्ट ग्रांट नहीं करेगा नेक्स्टली सेक्शन 14 के क्लोज बी में ये कहा गया है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस को भी कोर्ट एनफोर्स नहीं करेगा जिसमें इन्वॉल्व है कोर्ट का कंटिन्यूस सुपरविजन यानी कि जिसको कंटिन्यूअसली कोर्ट को सुपरवाइज करना पड़ रहा है मतलब इतना भी खाली नहीं बैठा कोर्ट की आपके कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यूसली वो सुपरवाइज करे इतना भी नहीं हो रहा है ना इसलिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट ग्रांट नहीं करता है क्योंकि कोर्ट के इतने काम है उनको छोड़ छाड़ के छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनार डिस्को चली <laughs> मतलब उनको छोड़ छाड़ के वो आपके कॉन्ट्रैक्ट को सुपरवाइज करे कंटिन्यूसली ये चीज नहीं कर सकता कोर्ट नेक्स्ट लीज के तहत ये कहा गया है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है पार्टी की पर्सनल क्वालिफिकेशन पर तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को भी कोर्ट स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं करा सकती है पर्सनल क्वालिफिकेशन लाइक पेंटिंग टीचिंग सिंगिंग राइटिंग एक्सेट्रा एंड क्लोज डी जो है सेक्शन 14 का यहां पर यह कहा गया है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट ग्रांट नहीं करेगा जो example, कि डिटर्मिनेबल नेचर के हैं फॉर एग्जांपल जैसे कि रिवोकेबल डीड्स हो गई वेडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हो गए या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें लिखा था कोई टाइम पीरियड की इस टाइम पीरियड के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा उस टाइम पीरियड के बाद ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करवा सकता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंडीशन ऐसी लिखी थी कि अगर कोई पार्टी उस कंडीशन को कर देगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ही खत्म हो जाएगा तो वो चीज पार्टी ने कर दी तो फिर जो वो कॉन्ट्रैक्ट है वो अपने आप ही खत्म हो गया तो इस तरह जो determinable nature के जो डिटर्मिनेबल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो कोर्ट है वो ग्रांट नहीं करता है तो ये हो गया आपका सेक्शन फोर्टीन नेक्स्ट ली जो सेक्शन सिक्सटीन है वो भी आपका सेक्शन टेन में दिए गए जनरल रूल का एक्सेप्शन तैयार करता है इस सेक्शन के क्लोज ए को 2018 में इंसर्ट किया गया था और क्लोज सी में 2018 में कुछ संशोधन किया गया था तो बेसिकली सेक्शन सिक्सटीन ने बताता है कि किस व्यक्ति के फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं किया जा सकता है पहला वो व्यक्ति जो कि सेक्शन ट्वेंटी के तहत करा लिया है सबसे परफॉर्मेंस नेक्स्टली कॉन्ट्रैक्ट के जो भी भीशियल टर्म थे वो जिस व्यक्ति के द्वारा परफॉर्म किए जाने थे वो व्यक्ति उनको परफॉर्म करने से इनकैपेबल हो गया है या फिर वो उनको वायलेट कर दिया है या फिर वो व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी था और उसने क्या कर दिया है फ्रॉड कर दिया है या फिर कॉन्ट्रैक्ट को जिस इंटेंशन से इस्टेब्लिश किया गया था उस इंटेंशन के सबर्जन में वेरियंस में जो व्यक्ति विलफुली एक्ट कर दिया है तो यहाँ पे जो भी व्यक्तियों की बात की गई है इनके फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट नहीं की जाएगी क्लोज सी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्री में डायरेक्टली पूछा जाता है यहाँ पे जो बात लिखी है वो लिख कर दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि ये कहाँ पर कही गई है तो ये कही गई है सेक्शन 16 के क्लोज सी में बात क्या कही गई है कही गई है बात कि अगर कोई व्यक्ति ये प्रूव करने में फेल हो जाता है कि जो भी इसेंशियल टर्म्स है कॉन्ट्रैक्ट की जो कि उसके द्वारा परफॉर्म की जानी है उनको उसने परफॉर्म कर दिया है या फिर वो हमेशा उनको परफॉर्म करने के लिए तैयार है इच्छुक है बट वो टर्म्स जिनके परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने से डिफेंडेंट ने रोक दिया था या फिर ये कह दिया था कि चल रहन दे उनको परफॉर्म करने की तो जरूरत नहीं है वेव कर दी थी मतलब तो ऐसी टर्म्स को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि उनको परफॉर्म करने के लिए जो प्लेंटिव था वो तैयार था इच्छुक था या फिर वो उसने परफॉर्म वगैरह कर दिया है तो ये चीज़ प्रूव करने की जरूरत नहीं है और इसी कंटेक्स्ट में आपका सेक्शन 16 में एक्सप्लेनेशन सेकंड दिया गया है जहां पर ये प्लेंटिव के ऊपर मैंडेटरी किया गया है कि जो इसल टर्म्स वगैरह प्लेंटिव के द्वारा परफॉर्म की जानी थी प्लेंटिव को ये प्रूव करना होगा कि वो उनको परफॉर्म कर चुका है या फिर उनको परफॉर्म करने के लिए अगर उसने परफॉर्म नहीं किया तब हमेशा तैयार है हमेशा विलिंग है तभी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्लेटिव के फेवर में कोर्ट ग्रांट करेगी अदरवाइज नहीं करेगी क्योंकि अगर प्लेटिव खुद ही तैयार नहीं है तो फिर क्या ही कर लेगी कोर्ट वे तुम खुद तो इक्विटी नहीं कर रहे हो दूसरे को गैरव इक्विटी करने के लिए यहां पर आप लगा सकते हो एक मैक्सिम इक्विटी का जो की है ही इक्विटी मस्ट डू इक्विटी तो ये सारे सेक्शन हो गए हैं कवर जो कि सेक्शन टेन के एक्सेप्शन थे सेक्शन टेन में जो जनरल रूल दिया गया है उसके और भी एक्सेप्शन है इनके अलावा जिनमें से एक है आपका सेक्शन सेवनटीन दूसरा है सेक्शन ट्वेल्व का सबसे वन तीसरा है सेक्शन एटीन अब हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे तो सेक्शन सेवनटीन ये कहता है कि अगर कोई पर्सन किसी ऐसी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए या फिर किराए पे देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसके बारे में उसे पता है कि उसका टाइटल उसके पास नहीं है या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट किया था ये बिलीव करते हुए कि उसके पास गुड टाइटल था लेकिन जो टाइम सेल को कंप्लीट करने के लिए या फिर लीज को कंप्लीट करने के लिए बाय द पार्टीज या फिर बाय द कोर्ट फिक्स किया गया था उस टाइम के अंदर वो व्यक्ति परचेजर को सेल के केस में या फिर लेजी को लीज के केस में रीजनेबल डाउट से फ्री टाइटल देने में फेल हो जाता है तो ऐसे वेंडर के फेवर में जो कि कॉन्ट्रैक्ट टू सेल किया था बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया था या फिर ऐसे लेसर के फेवर में जो कि किराए पे देने का कॉन्ट्रैक्ट किया था क्या नहीं किया जा सकता कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को कोर्ट नहीं कर सकता है और सब वन में जो भी बातें हमने पढ़ी है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी के सेल एंड हायर के ऊपर भी अप्लाई होती है तो अब जैसे कि जो वेंडर है और जो लेसर है इनके फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट नहीं करेगी कोर्ट तो अब यहाँ पर जो परचेजर है ऐसे केस में या फिर लेसी है ऐसे केस में तो उनको ऐसे वेंडर या ऐसे लेसर के अगेंस्ट कुछ राइट्स मिलते हैं और उन राइट के बारे में जिक्र किया गया है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 13 में तो जैसे कि सेक्शन 13 का जिक्र आया है यहाँ पर तो हम सेक्शन 13 को भी हाथों हाथ निपटा लेते हैं यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट टू सेल हुआ है तो तब वेंडर जिसको राइट मिला है वो होगा परचेजर और अगर कॉन्ट्रैक्ट टू लेट हुआ है किराए पे देने का अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो तब होगा लेसर और जिसको राइट right मिला है वो होगा लेसी तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर जो वेंडर है या फिर जो लेसर है उसका या तो टाइटल ही नहीं है या फिर इम्परफेक्ट टाइटल है इम्परफेक्ट टाइटल तब होता है जब किसी व्यक्ति का किसी प्रॉपर्टी में कंटीजेंट इंटरेस्ट होता है और कंटीजेंट इंटरेस्ट कब होता है इसके बारे में आपको सेक्शन 21 दिया गया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जहां पर सब कुछ समझ में आ जाएगा तो अगर वेंडर या फिर लेसर जिसके पास या तो टाइटल नहीं है या फिर अगर टाइटल है तो वो इम्परफेक्ट है और वो कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी इमोवेबल प्रॉपर्टी को बेचने का या फिर किराए पे देने का तो तब ऐसे सिचुएशन में ऐसे वेंडर या ऐसे लेसर के अगेंस्ट परचेजर को लेसी को कुछ राइट मिले हुए हैं सब्जेक्ट टू द दोविजन्स ऑफ दिस चैप्टर क्या राइट मिले हुए हैं अगर ऐसा वेंडर या लेसर कॉन्ट्रैक्ट के बाद प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट एक्वायर कर लेता है तो तब जो परचेजर है और जो लेसी है वो क्या कर सकते हैं ऐसे वेंडर को ऐसे लेसर को कंपेल कर सकते हैं कि कि ऐसे इंटरेस्ट के संबंध में जो कॉन्ट्रैक्ट में उसकी ऑब्लिगेशन बन रही है उसको वो फुलफिल करे फॉर एग्जाम्पल जो वेंडर होता है वो कोई ऐसा घर परचेजर को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करता है जो कि वेंडर का खुद का नहीं होता है बल्कि वेंडर के कजन का होता है तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो वेंडर का कजन होता है वो अपना घर वेंडर को दे देता है उसके नाम कर देता है तो अब जो परचेजर है वो भागा भागा आएगा और वेंडर को कंपेल करेगा कि घर तो मिल गया ना अब तुझे जिसको बेचने के लिए तूने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था तो अब इस घर को चुपचाप से मुझे दे दे मतलब इस तरह से धमकाएगा नहीं कंपेल करेगा कंपेल करेगा कहाँ पे कोर्ट ऑफ लॉ में क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने हाथ में खुद कानून नहीं ले सकता है नेक्स्टली अगर उसके टाइटल को वैलिडेट करने के लिए अदर पर्सन की कंक्रस की जरूरत है या फिर कन्वेयंस की जरूरत है और वो अदर पर्सन एट द रिक्वेस्ट ऑफ द वेंडर और लेसर कंकरेंस देने के लिए या फिर कन्वेयंस देने के लिए बाउंड है तो तब जो परचेजर है और जो लेसी है वो कंपेल कर सकते हैं ऐसे वेंडर को लेसर को कि वो उन लोगों से कंकरेंस प्राप्त करे कन्वेयंस प्राप्त करे नेक्स्टली अगर जो वेंडर है वो प्रॉपर्टी को अनएनकम्बर्ड रिप्रेजेंट करके क्या करता है बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी कि अनइनकम्बर्ड प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसपे कोई भार नहीं है जिससे कोई लोन वगैरह नहीं चुकाना है कोई पैसे वगैरह किसी के नहीं देने हैं तो इस तरह से रिप्रेजेंट करके जो वेंडर है वो क्या कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है किसका ऐसी प्रॉपर्टी को बेचने का बट होता यह है कि जो प्रॉपर्टी है वो तो होती है मोड़गेज लेकिन जितनी अमाउंट के लिए वो मॉडगेज होती है वो अमाउंट परचेज मनी से कम होती है और जो वेंडर है उसके पास राइट right होता है उस प्रॉपर्टी को रिडीम करने का उस मॉडगेज को रिडीम करने का तो अब जो परचेजर है वो क्या कर सकता है कंपेल कर सकता है किसको वेंडर को कि ये जो परचेज मनी है वो तो तेरे पास ज़्यादा है और तेरे पास पैसे हैं तो तू ऐसे मॉडगेज को रिडीम कर सकता है तो तू रिडीम करना और मुझे वैलिड डिस्चार्ज दे और जहाँ जरूरत है वहाँ पे मॉर्गेजी से कन्वेंस लेने के लिए भी परचेजर वेंडर को कंपेल कर सकता है नेक्स्ट ली क्लोज डी में ये कहा गया है कि अगर वेंडर या फिर लेसर क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट फाइल करता है तो जो कोर्ट है वो इस आधार पर कि इसके पास तो टाइटल ही नहीं था या फिर इम टाइटल था क्या कर देती है सूट को डिसमिस कर देती है तो अब जो डिफेंडेंट है यानी कि वेंडर के केस में डिफेंडेंट होगा कौन परचेजर और लेसर के केस में डिफेंडेंट होगा लेसी तो जो भी डिफेंडेंट है उसके पास क्या राइट right है उसके पास राइट right है टू रिटर्न ऑफ हिज डिपॉजिट जो डिपॉजिट किया था मनी उसने वो उसको वापस मिले इंटरेस्ट के साथ और जो भी प्लस कॉस्ट ऑफ सूट और ऐसे डिपॉजिट के लिए इंटरेस्ट के लिए और कॉस्ट के लिए जो डिफेंडेंट है उसको लीन का भी राइट right मिलता है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है प्रॉपर्टी उसमें अगर वेंडर का या लेसर का कोई कोई इंटरेस्ट है तो उसको जो डिफेंडेंट है जब तक कि वो डिपॉजिट उसको नहीं दे दिया जाता है उस डिपॉजिट पे जो उसका इंटरेस्ट बन रहा है वो नहीं दे दिया जाता है और जो कॉस्ट है सूट का वो नहीं दे दिया जाता है तब तक उसको लीन करके रख सकता है अपने कब्जे में रख सकता है राइट टू लीन जो होता है वो एक्सरसाइज कर सकता है और आगे सबसेक्शन टू में यह कहा गया है कि सबसेक्शन वन में जो भी हमने बातें पढ़ी वो मूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है सेल का या फिर हायर का उसके ऊपर भी अप्लाई होगी तो ये हो गया आपका सेक्शन थर्टीन तो जैसा कि हम सेक्शन टेन की एक्सेप्शन डिस्कस कर रहे थे जिसमें से हमने सबसे पहले सेक्शन इलेवन का सबसेक्शन वन सेक्शन फोर्टीन देन सेक्शन सिक्सटीन हमने कवर किया था और उन एक्सेप्शन के अलावा जो और एक्सेप्शन है जिनमें से हमने सेक्शन सेवनटीन कवर कर लिया है अब हम कवर करेंगे सेक्शन 18 को और उसके बाद सेक्शन 12 के सब सेक्शन वन को यह भी सेक्शन 10 में दिए गए जनरल रूल का एक्सेप्शन है तो यहां पर सबसे पहले सेक्शन 18 में ये कहा गया है कि अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि फ्रॉड की, की वजह से मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से जिस इंटेंशन के साथ पार्टीज ने उसको क्रिएट किया था उस इंटेंशन की कन्फर्मिटी में नहीं रहा है या फिर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि वो लीगल रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है जिसको पार्टीज जो है कॉन्ट्रैक्ट की उन्होंने इंटेंड किया था या फिर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके एग्जीक्यूशन के बाद जो पार्टीज हैं वो उस कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स वगैरह हैं उनको चेंज कर दी हैं तो इनमें से जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उनकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एनफोर्स नहीं की जा सकती है ये चीज सेक्शन 18 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कही गई है नेक्स्ट ली सेक्शन ट्वेल्व के सबसेक्शन वन में भी दिया गया है सेक्शन टेन के जनरल रूल का एक्सेप्शन कहा यह गया है कि जो कोर्ट है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर नहीं देगी का डायरेक्शन नहीं देगी ये चीज़ कोर्ट के ऊपर मैंडेटरी है कि कोर्ट ऐसा ना करे कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर दे यानी कि जो पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसको यहाँ पर किया गया है बार बट 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 इस चीज के कुछ एक्सेप्शन है जब कोर्ट क्या कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट के किसी पार्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म किए जाने के लिए ऑर्डर दे सकती है और एक्सेप्शन दिए गए हैं सेक्शन 12 के subsection 2, subsection 3 एंड 4 में ही अब यहाँ पर जो भी चीज हम डिस्कस करेंगे उसको समझने से पहले आपको दो चीजें दिमाग में प्रिज्यूम करके चलनी पड़ेगी पहली चीज ये कि कॉन्ट्रैक्ट की वो पार्टी जो कि परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है उसको हम कहेंगे पार्टी एट डिफॉल्ट और कॉन्ट्रैक्ट की वो पार्टी जिसको इस पार्टी की वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है उसको हम कहेंगे पार्टी सफरर। तो ये कहता है कि अगर सकती है और जितना वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी वो है स्मॉल प्रोपोर्शन यानी कि कर तो पा रही है परफॉर्म बट पूरा नहीं कर पा रही है उसमें से कुछ ना कुछ रह जाएगा और जो रह जाएगा वो है वो है स्मॉल प्रोपोर्शन जिसके बदले में कंपनसेशन वगैरह मनी के रूप में दिया जा सकता है तो अब आइदर पार्टी यानी कि या तो पार्टी एट डिफॉल्ट या फिर पार्टी सफर इन दोनों में से कोई भी क्या कर सकते हैं जितना हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस उतने के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाए जाने के लिए और जितना रह जाएगा उसके बदले में कंपनसेशन मनी के रूप में दिए जाने के लिए क्या कर सकते हैं कोर्ट में जा सकते हैं और सूट फाइल कर सकते हैं कि जितना हो सकता है उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा दो और जितना नहीं हो सकता है जो स्मॉल प्रोपोर्शन रह जाएगा उसके बदले में कंपनसेशन दिलवा दो फॉर एग्जाम्पल एक मम्मी पापा होते हैं उनकी दो जवान बेटियाँ होती हैं मेजर डॉटर्स होती हैं दो और एक होती है माइनर डॉटर तो ये सारे के सारे एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को ज्वाइंटली ऑन करते हैं तो अब उसी प्रॉपर्टी को ये जो वयस्क हैं मम्मी पापा और जो दो मेजर डॉटर्स हैं ये क्या करते हैं उस रिमोवेबल प्रॉपर्टी को पी को बेचने के लिए एग्रीमेंट करते हैं और इस चीज की वो परमिशन लेने के लिए जाता है कोर्ट के पास लेकिन 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 जो कोर्ट है वो कह देता है न न यू कांट सेल दी माइनर शेयर इसके लिए अपन तुमको परमिशन नहीं देगा तो अब यहाँ पर जो पी है वो कौन हो गई वो हो गई पार्टी सफरर और ये लोग जो कॉन्ट्रैक्ट की अदर पार्टी हैं टू डॉटर्स एंड दियर पेरेंट्स ये हो गए पार्टी एट डिफॉल्ट तो इन दोनों में से कोई भी कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं कि जितना परफॉर्म किया जा सकता है यानी कि जो मेजर डॉटर का और पेरेंट का जो उस इमोरेबल प्रॉपर्टी में शेयर बन रहा है उस एक्सटेंट तक जो सेल है उसको अलाउ किया जाए उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा दी जाए जो माइनर का शेयर बेचे जाने से रह जाएगा उसके बदले में कंपनसेशन अवार्ड कर दिया जाए नेक्स्ट ई सबसेक्शन थ्री की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ईजी सबसेक्शन है एकदम सबसे इजी है ये आपको ये समझ आ जाएगा अगर आप ना थोड़ा दिमाग इसमें लगा दें वैसे आसानी से नहीं आता समझ में ये बहुत दिमाग लगाना पड़ता है तो कहता क्या है यह सबसेक्शन ये सबसेक्शन ये subscription ही कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट की वो पार्टी जो कि पूरा का पूरा अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर सकती है इसका मतलब ये है कि कुछ वो कर सकती है परफॉर्म बट पूरा नहीं परफॉर्म कर सकती है और जितना वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है वो या तो कंसिडरेबल पार्ट है पूरे का जिसका कंपनसेशन हो सकता है मनी के रूप में या फिर उसका कंपनसेशन मनी के रूप में नहीं हो सकता है तो अब क्या होगा तो अब पार्टी एट डिफॉल्ट कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट का मैं 99% परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ 1% परसेंट नहीं कर सकता हूँ तो एक काम करो जितना मैं कर सकता हूँ परफॉर्म उसके बदले में जो पार्टी सफरर है उसको जो करना था उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाओ ऐसा नहीं हो सकता है पार्टी एट ब्रिज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री ऑप्टेन करने के लिए यहाँ पर एंटाइटल नहीं है एंटाइटल कौन है यहाँ पर एंटाइटल है पार्टी सफर तो जो पार्टी सफर है वो सूट फाइल कर सकती है और जो कोर्ट है पार्टी सफर के सूट फाइल करने पर पार्टी एट डिफॉल्ट को डायरेक्ट करेगी कि जितना तू कर सकती है परफॉर्म करना परेशान हो गए जितना आप अपने कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म कर सकते हो करो वो भी तब अगर पार्टी सफर जो है वो अगर उसका केस फॉल हो रहा है क्लोज ए में और जितना पार्ट पार्टी एट ब्रीच के द्वारा परफॉर्म किया जाना था उसके लिए जितना कंसीडरेशन पे किए जाने के लिए वो पार्टीज एग्री हुए थे उस कंसीडरेशन में से अनपरफॉर्म पार्ट का जो कंसीडरेशन बन रहा है उसको घटाने के बाद क्या करती है पे करती है या फिर पे कर चुकी होती है लेकिन अगर पार्टी सफर का केस फॉल हो रहा है क्लोज बी में तो तब जो पार्टी सफर है वो बिना किसी अबेटमेंट के पूरे कॉन्ट्रैक्ट का कंसीडरेशन या तो पे करती है या पे कर चुकी होती है तभी क्या होगा पार्टी सफर को यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रेमेडी दी जाएगी और यहाँ पर एक और मुसीबत है पार्टी सफरर के लिए कि जो भी डिफेंडेंट के डिफॉल्ट की वजह से उसको डिफिशियंसी हुई है लॉस हुआ है डैमेज हुआ है उसके लिए जो भी उसके कंपनसेशन के राइट बनते हैं उनको उसे रैलिंग क्विश करना पड़ेगा और जो भी पार्ट परफॉर्म करने से रह जाता है उसके संबंध में जो भी उसका क्लेम बन रहा है उसको भी उसको रैलिंग क्विश करना पड़ेगा नेक्स्टली यहाँ पर सब सेक्शन फोर ये कहता है कि मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसको दो भाग में डिवाइड किया जा सकता है एक भाग वो जो कि स्पेसिफिकली परफॉर्म किया जा सकता है या फिर स्पेसिफिकली परफॉर्म किया जाना चाहिए दूसरा भाग वो जो कि स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं किया जा सकता है या फिर जो कि स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं किया जाना चाहिए तो इन दोनों में से वो पार्ट जो कि स्पेसिफिकली परफॉर्म किया जा सकता है या फिर जिसको स्पेसिफिकली परफॉर्म किया जाना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के उस पार्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को डायरेक्ट कर सकता है तो इस तरह से सेक्शन 12 का सबसेक्शन वन जैसे कि ये कहता था कि जो कोर्ट है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के आधे उधे भाग का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डायरेक्ट नहीं करेगा यानी कि अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट की जाएगी तो पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट की जाएगी ऐसा नहीं कि आधे अधूरे को स्पेसिफिकली इन्फोर्स करने के लिए कोर्ट डायरेक्ट कर रहा है बट कुछ सरकम में जो कि अभी हमने डिस्कस कर लिए हैं जैसे कि सबसेक्शन टू सबसेक्शन थ्री एंड सबसेक्शन फोर में जो कोर्ट है वो क्या कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट के किसी पार्ट को भी स्पेसिफिकली एनफोर्स कर सकता है और ये चीज टोटली कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर निर्भर करती है कि किसी पर्टिकुलर केस में किसी कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म किए जाने के लिए डायरेक्शन देना है या नहीं देना है तो यहां तक आपका होता है सेक्शन ट्वेल्व कंप्लीट यहां तक तो आपको ये पता चला कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब ग्रांट की जाएगी और कब नहीं ग्रांट की जाएगी तो अब अगर ऐसा होता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डिक्री को ड्रॉ कर देती है डिक्री आ जाती है तो अगर कोई व्यक्ति उसका पालन नहीं करता है तो तब क्या होगा इसके लिए ऑर्डर 21 में रूल 32 में ये कहा गया है कि अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डिक्री जिस पार्टी के अगेंस्ट पास हुई है वो विलफुली उस डिक्री को ओबे करने में फेल हो जाती है तो तब इस तरह की जो डिग्री है उसको हम कैसे एनफोर्स करेंगे या तो उस पार्टी को सिविल प्रिजन में डिटेन कर दिया जाएगा या फिर उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा या फिर ये दोनों चीजें की जा सकेंगे मतलब अटैचमेंट भी और डिटेंशन भी सेक्शन 15 ये बताता है कि कौन व्यक्ति स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को एनफोर्स कराने के लिए एंटाइटल होता है मतलब कौन ऑप्टेन कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड जुडिशियरी में 2022 में इसी बार आया था तो बेसिकली इस क्वेश्चन को आंसर करता है सेक्शन 15 और सेक्शन 15 में पहले एक लाइन लिखी है जो आप यहाँ पर नोट करना एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय दिस चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर टू जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का यहां पर हमने काफी सारे ऐसे प्रोविजन पढ़े जहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं किया जा सकता और सेक्शन में हमने पढ़ा था कि कुछ लोगों के फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एनफोर्स नहीं की जा सकती है तो उन केसेस को छोड़कर ये कह रहे हैं कि यहां पर जो क्लोज ए से लेकर एच तक में जिनके बारे में बात की गई है वो क्या कर सकते हैं वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑप्टेन कर सकते हैं कोर्ट से और यहाँ पर जो क्लोज एफ ए है ये 2018 में इंसर्ट किया गया था ये चीज़ आपने याद रखनी है तो यहाँ पर जो कोई भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑप्टेन कर सकता है उसके बारे में आपने ये चीज़ देखनी होगी कि कहीं उसको चैप्टर नंबर टू के अदर प्रोविजन्स के तहत स्पेसिफिक परफॉर्मेंस प्राप्त करने से रोका गया है या नहीं गया है उसी के मद्देनजर रहते हुए ही हम ये चीज कहेंगे कि यह पर्टिकुलर पर्सन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑप्टेन कर सकता है तो बेसिकली यहां पे जनरली बताया गया है कि कौन कौन कर सकता है जब तक कि वो एक्सेप्शन में फॉल ना होता हो तो पहला तो इन्होंने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी पार्टी फॉर एग्जाम्पल ए एंड जेड आपस में मिलकर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इन दोनों में से कोई भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकता है कॉन्ट्रैक्ट की नेक्स्टली जो पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट की उनका रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट यानी कि पार्टी वगैरह जैसे कि मर गई तो उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर उनका कोई एजेंट है या पार्टी ने अपने राइट्स को असाइन कर दिया तो उनका कोई असाइन ही है तो वो भी क्या कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑप्टेन कर सकता है इसी तरीके से पार्टी का प्रिंसिपल जो है फॉर एग्जाम्पल दो एजेंट मिलकर आपस में कॉन्ट्रैक्ट किए तो उनके जो प्रिंसिपल हैं वो क्या है, कर सकते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑप्टेन कर सकते हैं यहाँ पे बट 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 अगर जो पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट की उसकी पर्सनल क्वालिफिकेशन पर उसकी नॉलेज पर एबिलिटी पर सोलवेंसी पर या किसी पर्सनल ट्रेट पर जो कॉन्ट्रैक्ट था वो डिपेंड करता था तो तब इस केस में जो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट है या फिर जो प्रिंसिपल है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑप्टेन नहीं कर सकते हैं नेक्स्टली तब भी कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑप्टेन करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वगैरह जो है ये इन नहीं होंगे जब जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ये प्रोवाइड किया गया हो कि जो पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट की उनका इंटरेस्ट असाइन नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल आप ये मान के चलो कि मैं एक मशहूर पेंटर हूँ वैसे पेंटिंग आती है मुझे बहुत अच्छे से मैंने बचपन में बहुत सारी चीजें बनाई है मैंने गांधी जी की भी तस्वीर बनाई थी एक बार तो बस ये आप मान लो कि मैं एक मशहूर पेंटर हूँ और इस वजह से आप मेरे पास आए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया मेरे साथ कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड का स्केच बनाऊंगी वो बात अलग है गर्लफ्रेंड को बुरा लग जाए कि किससे बनवा रहा है किसे मेल आर्टिस्ट से बनवाता और अगर मेल आर्टिस्ट से बनाते तो फिर आपको बुरा लग जाता चलो ये सब छोड़ो तो मान लो आप मेरे पास आए आपकी गर्लफ्रेंड का स्केच बनवाने के लिए और हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि मैं बनाऊंगी और बनाने से पहले ही मैं मर जाती हूँ अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो लेकिन सबकी लाइफ में ऐसा होना है मान लो एक दिन जस्ट मानना है ये कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड का स्केच बनाने से पहले मर गई तो अब जो मेरे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ये नहीं कह सकता है कि आ, मेरे बदले वो बना के दे देंगे स्केच और इनसे भाई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाओ कॉन्ट्रैक्ट की जो पैसा उन्होंने मुझे देना था जो आपने मुझे देना था वो मेरे रिप्रेजेंटेटिव को मिले क्योंकि वो बना के दे देंगे ऐसा नहीं हो सकता जो स्किल मेरे पास थी वो मेरे रिप्रेजेंटेटिव के पास होगी। वो बात अलग है कि मेरे रिप्रेजेंटेटिव से आपने बनवा लिया स्केच आप मान गए संतुष्ट हो गए आप कोई बात नहीं चलो जिन्नत तो है नहीं रिप्रेजेंटेटिव बना रहे गर्लफ्रेंड का स्केच तो वो भी चलेगा तो अब मेरे रिप्रेजेंटेटिव आपको छोड़ेंगे नहीं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑप्टेन करने के लिए वो यहाँ पर एंटाइटल होंगे इसके अलावा एक और सिचुएशन है जब रिप्रेजेंटेटिव ऑप्टेन कर सकते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब मान लो मैंने स्केच बना दिया था तो मेरा पार्ट तो मैंने परफॉर्म कर दिया अब आपकी बारी थी कि आप उस स्केच को लो और उसके बदले में मुझे पैसे दो बट इससे पहले ये चीज होती मेरी हो गई डेथ तो अब भी मेरे रिप्रेजेंटेटिव क्या कर सकते हैं कर सकते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपसे आपसे कॉन्ट्रैक्ट की आपको स्केच और आप उसके बदले में पैसे लेके तो ये जो दोनों बातें मैंने लास्ट में आपको बताई ये आपके इस प्रोवाइजो में ही लिखी है एक बार आप एक्ट में प्रोवाइजो चेक कर लेना क्लोज सी को पढ़ने से पहले एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक डॉक्ट्रिन चलता है जो कि है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी उसको यहां पर आप नोट कर लेना तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टी होती है वही क्या कर सकते है? उस कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में एक दूसरे को सु कर सकते एक दूसरे के ऊपर वाद ला सकती है उन पार्टीज के अलावा कोई थर्ड पर्सन या फिर स्ट्रेंजर ऐसा नहीं कर सकता है बट डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी के कुछ एक्सेप्शन है जैसे कि इक्विटेबल मॉर्गेज हो गया फैमिली सेटलमेंट हो गया मैरिटल सेटलमेंट हो गया तो वही एक्सेप्शन आपका क्लोज सी में आपको देखने को मिलता है कहा यह गया है कि अगर मैरिटल सेटलमेंट या फिर फैमिली अरेंजमेंट के तहत कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हुआ है जिसमें क्या किया गया है किसी थर्ड पर्सन के बेनिफिट को सिक्योर किया गया है तो वो थर्ड पर्सन क्या कर सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए क्लोज सी के तहत सूट फाइल कर सकता है सबसे पहले मैरिटल सेटलमेंट का अगर हम एक एग्जाम्पल देखें जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है होता यह है कि एक लड़का लड़की होते हैं उनके जो पेरेंट्स हैं आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि अगर तुम्हारी लड़की ने हमारे लड़के से शादी की तो हम आपकी लड़की को शादी के तुरंत बाद एक लैंड गिफ्ट करेंगे अब लड़की क्या कर लेती है शादी कर लेती है तो यहाँ पे जो लड़की है उसका जो बेनिफिट था उस कॉन्ट्रैक्ट में सिक्योर किया गया था तो अब ये लड़की क्या कर सकती है अगर कल के दिन जो लड़के के मम्मी पापा है वो उस लैंड को लड़की को गिफ्ट नहीं करते हैं तो लड़की उस कॉन्ट्रैक्ट की जो उसके और उसके धूला के मम्मी पापा के बीच में हुआ था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराए जाने के लिए सूट फाइल कर सकती है वहीं अगर हम बात करें फैमिली सेटलमेंट की तो यहां पर एक एग्जांपल है कि चार भाई होते हैं और इन चारों की एक जॉइंट प्रॉपर्टी होती है एक ही गांव में तो जो पी क्यू आर है ये जो ये तीन भाई है इन चारों में से ये तीन भाई आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ये एस को दे देंगे तो यहाँ पर एस तो किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं है बट क्या है एस को अल्टीमेटली बेनिफिट मिलेगा इस कॉन्ट्रैक्ट का तो एस क्या हुआ बेनिफिशियरी हुआ तो कल के दिन अगर इनमें से कोई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करता है तो जो एस है वो क्या कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को ऑप्टेन कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए एंटाइटल है यहाँ पर एस क्योंकि वो इस कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिशियरी है क्लोज डी ये कहता है कि अगर कोई टिनेंट फॉर लाइफ है और वो क्या कर रहा है कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है इन द ड्यू एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मैन ऑप्टेन कर सकता है इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं होता यह है कि जो एक्स है वो अपनी प्रॉपर्टी वाई को देता है वाई को कैसे देता है कि जो वाई है वो लाइफ टाइम उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है मतलब यहाँ पर वाई का किया गया है लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट तो ये जो वाई है वो क्या हुआ वो हुआ टिनेंट फॉर लाइफ और ये व्यवस्था की जाती है कि जब वाई मर जाएगा तो उसकी डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी है वो एक्सेलरेट होगी z को अगर z वाई के मरने के बाद जिंदा रह गया तो तो यहां पर जो Z है वो है रिमाइंडर मैन तो अब जब Y के पास लाइफ इंटरेस्ट था उस प्रॉपर्टी का ड्यूरिंग हिज लाइफ उस प्रॉपर्टी के संबंध में उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह अगर किया है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को Y की डेथ के बाद जो Z है जो रिमाइंडर मैन है वो भी क्या करा सकता है स्पेसिफिकली परफॉर्म करवा सकता है स्पेसिफिकली परफॉर्म करवाने के लिए सूट फाइल कर सकता है नेक्स्टली क्लोज ई में ये कहा गया है कि जो रिवर्सनर इन पोजेशन होता है वो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑप्टेन कर सकता है कब अगर कोई एग्रीमेंट एक कोवेनेंट के रूप में इसके जो भी प्रिडिसर इन टाइटल थे यानी कि इससे पहले जो भी प्रॉपर्टी को ऑन किए हुए थे उनके द्वारा किया जाता है ऐसे कोवनेंट में रिवर्सनर एन टाइटल होता है किसी बेनिफिट के लिए तो यहाँ पर जो रिवर्सनर इन पोजेशन है वो क्या कर सकता है

और बी के लाइफ के बाद वो प्रॉपर्टी जाएगी सी के पास तो यहां पर जो सी है वो हो गया रिवर्सनर इन रिमाइंडर क्योंकि इसका प्रॉपर्टी में फ्यूचर इंटरेस्ट है तो अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सी के बेनिफिट को सिक्योर किया गया था जिसके ब्रीच से सी को मटेरियल इंजरी हो सकती है अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को बी ब्रीच करता है तो इसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को सी क्या कर सकता है क्लेम कर सकता है ऑप्टेन कर सकता है क्लोज एफ ए में इंसर्ट किया गया था और इसमें कहा गया है कि अगर कोई एल दूसरी एल में अमल गमेशन होने से पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करती है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की वो नई एल जो आफ्टर अमल गमेशन उभर कर आई है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑप्टेन कर सकती है फॉर एग्जाम्पल जो एक्स एल है वो वाई एल में मर्ज हो जाती है और अब बनती है जेड एल एल पी तो अब जो जेड एल एल पी है वो उन कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑप्टेन कर सकती है जो कि एक्स या फिर वाई इन दोनों में से किसी भी एल एल पी के द्वारा क्रिएट किए गए थे एंटर किए गए थे सेम चीज कंपनी के लिए भी कही गई है क्लोज जी में कि अगर कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करती है और फिर बाद में किसी दूसरी कंपनी में अमल गमेटेड हो जाती है तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने अमल गमेशन से पहले किया था अब अमल गमेशन के बाद जो नई कंपनी उभर कर आई है वो नई कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑप्टेन कर सकती है क्लोज एच की अगर हम बात करें तो यहां पर एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब भी कोई कंपनी बनती है तो उसके बनने से पहले बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया जाता है तो यहां पर ऐसा होता है कि जो प्रमोटर्स होते हैं कंपनी के वो अलग अलग लोगों से मिलते हैं नेगोशिएशन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करते हैं तो जो भी कंपनी के बनने से पहले कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं बाय द प्रमोटर्स वगैरह इन कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बाई द टर्म्स ऑफ द इनकॉर्पोरेशन वॉरेंटेड कर दिए जाते हैं तो इन कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑप्टेन कंपनी कर सकती है लेकिन शर्त यह है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन एक्सेप्ट कर लिए हो और अपनी एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कॉन्ट्रैक्ट की जो अदर पार्टी है उसको कर दिया हो तो ये चीज होने के बाद अब जो कंपनी है कल के दिन अगर कॉन्ट्रैक्ट की जो दूसरी पार्टी है वो क्या करती है ब्रीच करती है कॉन्ट्रैक्ट का तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कंपनी ऑप्टेन कर सकती है तो यह था आपका सेक्शन 15 जिसमें हमने आपको बताया कि कौन कौन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को ऑप्टेन कर सकता है सेक्शन 19 ये बताता है कि किन किन के अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप ऑप्टेन कर सकते हैं बट ये चीज जो एक्सेप्शन दिए गए हैं चैप्टर नंबर टू में उनके अधीन रहते हुए ही अप्लाई होगी तो कहा यह गया है कि यहाँ पर जो लिस्ट दी गई है उनके अगेंस्ट आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑप्टेन कर सकते हैं पहला तो हो गया ईदर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी पार्टी फॉर एग्जाम्पल आप और मैं आपस में कॉन्ट्रैक्ट किए हैं मैंने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया तो आप मेरे अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑप्टेन कर सकते हैं अगर आपने ब्रीच कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट का तो आपके अगेंस्ट में क्या कर सकती हूँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑप्टेन कर सकती हूँ अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज के अलावा क्या और कोई भी है जिसके अगेंस्ट हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑप्टेन कर सकते हैं तो इसके बारे में क्लोज भी में सबसे पहले ये कहा गया है कि अगर सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है प्रॉपर्टी उसके संबंध में किसी का टाइटल अराइज हो रहा है तो उस टाइटल का जो भी पर्सन क्लेम कर रहा है अंडर द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट उस पर्सन की अगेंस्ट भी आप क्या कर सकते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑप्टेन कर सकते हैं बट शर्त यह है कि वो पर्सन क्या ना हो वो वो ट्रांसफर ही ना हो जो कि वैल्यू वगैरह मनी के रूप में पे करके गुड फेथ में बिना ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के नोटिस के क्या किया है प्रॉपर्टी में कोई टाइटल वगैरह किया है फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आपको एक लैंड जो कि मेरी है वो बेचूंगी दस लाख रुपए में और आपने दस लाख रुपए मुझे दे दिए हैं तो हमारे बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है अब बारी थी मेरी कि मैं आपको क्या करूं वो लैंड का पोजेशन दूं बट इससे पहले कि मैं आपको उस लैंड का पोजेशन देती वो लैंड मैंने क्या कर दी है अपनी कजन को बेच दी है तो सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट उस लैंड का टाइटल मिल गया है किसको मेरी कज़न को तो अगर मेरी कज़न को ये जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था आपके और मेरे बीच में उसके बारे में जानकारी थी तो तब आप क्या कर सकते हैं आप मेरी कज़न के अगेंस्ट भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑप्टेन कर सकते हैं लेकिन वही अगर मेरी कज़न को इस बारे में पता ही नहीं था कि आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है और उसने पैसे वगैरह दे के गुड फेथ में वो लैंड मुझसे परचेज की थी तब आप उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑप्टेन नहीं कर सकते हैं क्लोज सी में जो कहा गया उसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जैसे कि होता यह है कि मैं और मेरा भाई कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑन करते हैं दोनों ज्वाइंटली ऑन करता है तो अब वो प्रॉपर्टी जैसे कि पता ही है मेरे और मेरे भाई की है तो कल के दिन अगर मैं नहीं रही तो वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो जाएगी मेरे भाई की हो जाएगी ये चीज़ होने के बावजूद भी आपको पता भी इस चीज़ के बारे में क्या होता है मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है उस प्रॉपर्टी में जो मेरा हिस्सा था ना वो बेचने का और इससे पहले कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता सेल कंप्लीट हो जाती क्या होता है मेरी हो जाती है डेथ अब जो प्रॉपर्टी है वो पूरी की पूरी मेरे भाई की हो जाती है तो अब जो टाइटल है वो क्लेम कर रहा है मेरा भाई कि वो प्रॉपर्टी उसकी है तो अब आप उसके अगेंस्ट भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर सकते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट की जो आपके और मेरे बीच में उस प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा आपको बेचने के लिए किया गया था नेक्स्ट ली क्लोज सी ए में इंसर्ट किया गया था इसमें सिंपली यही कहा गया है कि एल अगर अमल गमेशन जब होता है उसका दूसरी एलएलपी में उससे पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की होती है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को उस नई एल के अगेंस्ट भी एनफोर्स कराया जा सकता है जो अब आफ्टर अमल गमेशन उभर कर आई है और सेम चीज कंपनी के कंटेक्स में भी है कि अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी में अमल गमेटेड होने से पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की थी तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को अब जो नई कंपनी उभर कर आई है आफ्टर अमल गमेशन उसके अगेंस्ट भी एनफोर्स कराया जा सकता है लास्टली क्लोज ई जो है इसमें ये कहा गया है कि अगर प्रमोटर्स जो होते हैं कंपनी के वो बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह करते हैं जिनको प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट अगर बाय द टर्म्स ऑफ द इनकॉर्पोरेशन वॉरेंटेड कर लिए जाते हैं तो उन कॉन्ट्रैक्ट को कंपनी के अगेंस्ट भी एनफोर्स कराया जा सकता है लेकिन शर्त यह है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन एक्सेप्ट कर लिए हो और अपनी एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कॉन्ट्रैक्ट की जो अदर पार्टी है उसको कर दिया हो तो ये था आपका सेक्शन 19 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 21 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का ये बताता है कि अगर आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने के लिए क्या किया है सूट फाइल किया है तो ऐसे सूट में कंपनसेशन का क्या सीन है तो पहला सीन तो ये ये बताता है कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट का हुआ है ब्रीच तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रेमेडी मांगने के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कंपनसेशन की भी मांग कर सकते हैं आपने सूट फाइल किया कि जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ था उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाई जाए तो इसके साथ साथ आप ये भी मांग सकते हैं कि उस ब्रीच के बदले कंपनसेशन भी दिलवाया जाए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी कराओ और कंपनसेशन भी दिलवाओ सेकेंडली अगर आपने जो सूट फाइल किया है उसमें कोर्ट ये डिसाइड करती है कि आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं की जानी चाहिए <coughs> लेकिन लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट डिफेंडेंट ने ब्रीच किया है उस ब्रीच के लिए जो प्लेंटिफ है कंपनसेशन का हकदार है तो तब कोर्ट क्या कर देगी जहां कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं कर रही है वहां कंपनसेशन ग्रांट कर देगी कंपनसेशन अवार्ड कर देगी प्लेंटिव को कि चलो बेचारे को कंपनसेशन तो दिलवाई दे थर्डली ये कहा गया है कि उस सूट में भी जहां पर कोर्ट डिसाइड करती है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट की जानी चाहिए जहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करने के लिए कोर्ट डिसाइड कर रही है वहां पर भी अगर कोर्ट को लग रहा है कि प्लेंटिव को ना कंपनसेशन भी दिलवाया जाना चाहिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट की करवाई रहे हैं जो ब्रीच हुआ था उसके साथ साथ पलेंटिव को कंपनसेशन भी दिलवाएं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट कर दिया ये चीज़ सफिशेंट नहीं होगी तो इस चीज़ से जो जस्टिस मिलनी चाहिए वो जस्टिस नहीं मिल पाएगी तो तब कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करने के साथ साथ प्लेंटिव को कंपनसेशन भी दिलवा सकती है अब यहाँ पर जो भी कंपनसेशन का अमाउंट होगा उसको डिटरमिन करने के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 73 को कोर्ट कंसीडर करेगी सेक्शन 73 में जो भी प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उनको देखेगी बट ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि सेक्शन 21 के तहत जो कंपनसेशन दिया जाता है वो तब तक आपको अवार्ड नहीं करेगी कोर्ट जब तक कि आपने अपनी प्लेट में उस कंपनसेशन का क्लेम ना किया हो लेकिन 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 रुको जरा सबर करो अगर आप अपनी प्लांट में कंपनसेशन का क्लेम नहीं किए हैं तो जो कोर्ट है ना वो आपको प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पर उन टर्म्स पर जो कि कोर्ट को जस्ट लगती है क्या कर देगी अलाउ कर देगी कि कोई बात नहीं अपनी प्लांट में अमेंडमेंट करो और जो क्लेम बन रहा है ना आपका कंपनसेशन का उसको भी उसमें इंक्लूड कर लो नेक्स्ट ली सेक्शन ट्वेंटी टू में ये कहा गया है सबसे पहले सब सेक्शन वन में कि सीपीएससी में चाहे कुछ भी क्यों ना लिखा हो वो भाड़ में जाए ये कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन ट्रांसफर ऑफ इमर प्रॉपर्टी के संबंध में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट फाइल करता है तो वो अप्रोप्रिएट केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ मांग सकता है क्या पोजेशन पोजेशन का भी क्लेम कर सकता है या फिर ये मांग सकता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने के साथ साथ आप क्या करें जो प्रॉपर्टी है उसका पार्टीशन करें और फिर मुझे सेपरेट पोजेशन दिलवाएं और ऐसी अवस्था में कि अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो क्लेम है वो रिफ्यूज कर दिया जाता है तो वो क्या कर सकता है वो मांग सकता है कोई भी अदर रिलीफ जिसके लिए वो एंटाइटल होता है लाइक like, जो भी अर्नेस मनी है जो भी डिपोजिट उसने पे किया था वो उसको वापस कर, कर दिया जाए उसको रिफंड करवा दिया जाए अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाई जा सकती है तो फिर जो भी मैंने डिपॉजिट किया था जो भी मेरा अर्न मनी था वो सब मुझे रिफंड करवा दिया जाए तो सेक्शन 22 के तहत आपकी सब सेक्शन में क्लोज ए एंड क्लोज बी में जो भी रिलीफ है वो आपको तब तक कोर्ट ग्रांट नहीं करेगी जब तक कि आप उसको स्पेसिफिकली प्लेंट में क्लेम नहीं करेंगे लेकिन लेकिन वही चीज रुको जरा सबर करो अगर आपने प्लेट में उस रिलीफ का क्लेम नहीं किया है तो जो कोर्ट है वो प्रोसीडिंग किसी भी स्टेज पर उन टर्म्स पर जो कि कोर्ट को लगती है जस्ट क्या कर देगी आपको अलाउ कर देगी कि कोई बात नहीं जाओ उस क्लेम को आप अपने प्लांट में अमेंडमेंट करके इंक्लूड कर लो और सेक्शन 22 के सब सेक्शन वन का जो क्लोज बी है यहां पर जो रिलीफ दी जा रही है उसके लिए सब सेक्शन थ्री में ये कहा गया है ये कोर्ट की जो पावर है ना अंडर सेक्शन ट्वेंटी वन कंपनसेशन देने वाली पावर उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी सेक्शन ट्वेंटी थ्री कोर्ट को इम्पावर करता है कि जो कोर्ट है वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को भी इन्फोर्स कर सकता है जिनमें हो रखा है लिक्विडेशन ऑफ डैमेज यानी कि कुछ सम फिक्स हो रखा है कि कल के दिन अगर कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करता है तो तब उसको इतना पैसा पे करना पड़ेगा तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की भी कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को इन्फोर्स कर सकता है वो भी तब जब कोर्ट को जो भी टर्म्स वगैरह है कॉन्ट्रैक्ट की और जो भी अदर सर्कमस्टांसेस है उनको देखने के बाद ये सेटिस्फाई होता है कि ये जो लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस किया किया गया गया था था ये जो सम फिक्स कि अगर कल के दिन ब्रीच होता है तो ये पे किया जाएगा इतना सम पे किया किया जाएगा वो इसलिए फिक्स गया था ताकि कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को सिक्योर किया जा सके ना कि इसलिए कि जो पार्टी इन डिफॉल्ट है उसको ऑप्शन मिल जाए कि स्पेसिफिकली परफॉर्म करने की बजाय वो पैसे वगैरह दे दे तो यहां पर अगर कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को इन्फोर्स करती है तो उसके साथ साथ वो सम जो कि फिक्स किया गया था कि अगर ब्रीच होगा तो वो पार्टी एट ब्रीच को पे करना पड़ेगा उसको भी पे किए जाने के लिए कोर्ट डिक्री नहीं देगी तो इस तरह से सेक्शन 23 का का सबसेक्शन 2 ये कहता है पागल वागल हो क्या भैया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी दे दो और जो लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस हुआ था उसकी भी डिक्री दे दो ऐसा नहीं किया जा सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर सेक्शन ट्वेंटी थ्री के तहत एनफोर्स करोगे तो बस वही करो उसके साथ साथ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बदले जो मनी पे किया जाना था उसको पे किए जाने के लिए डिक्री कैसे दे सकते हो नहीं दे सकते ना समझ गए ना क्या मसला है सेक्शन 24 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का ये कहता है कि मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ब्रीच या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट का कोई पार्ट परफॉर्म नहीं किया गया था तो उसके परफॉर्मेंस के लिए आपने सूट फाइल किया था और कोर्ट ने आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं की है यानी कि आपका जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट था उसको डिसमिस कर दिया है तो अब इसके बाद आप कोर्ट में जाके कंपनसेशन का सूट फाइल नहीं कर सकते हैं ऐसा करने से सेक्शन ट्वेंटी फोर आपको रोकता है लेकिन 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 जो ब्रीच हुआ था उस ब्रीच की वजह से अगर आप किसी अदर रिलीफ के लिए एंटाइटल होते हैं तो उसका सूट फाइल करने से सेक्शन आपको नहीं रोकता है उसके लिए बिंदास होकर आप कोर्ट में जाइए और अपना सूट फाइल कीजिए लेकिन कंपनसेशन का नहीं कर सकते हैं सेक्शन 25 ये कहता है कि सेक्शन 9 से लेकर 24 तक यानी कि सेक्शन 25 से पहले के जो सेक्शंस थे चैप्टर नंबर 2 के वो आपके अप्लाई होंगे किनके ऊपर एक तो अवार्ड्स के ऊपर और एक टू द डायरेक्शन इन अ विल और कोर्डिसल टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर सेटलमेंट किसी सेटलमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए कि सिविल या कोडिसिल में कोई डायरेक्शन दिया गया है कोई डायरेक्शंस वगैरह दिए गए हैं तो उनके ऊपर भी अप्लाई होंगे बट 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 ध्यान देने वाली बात यह है कि अवार्ड्स कौन से हैं जिनके ऊपर अप्लाई होंगे अवार्ड्स वो वाले अवार्ड्स जिनके ऊपर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलियन एक्ट नाइनटीन अप्लाई नहीं होता है तो यहां पर आपका चैप्टर नंबर टू स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का होता है खत्म लेकिन कुछ सेक्शन जो न्यूली इंसर्टेड है जो यहां पर मेंशन है ये चार सेक्शन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो 2018 में संशोधन हुआ था उसके द्वारा इंसर्ट किए गए थे तो इनको भी हम शॉर्ट में निपटा लेते हैं जितना जितना प्री में पूछा जाता है उतना उतना सेक्शन 14 ए में आपको इतना ध्यान रखना है कि कोर्ट को इम्पावर किया गया है कि अगर किसी स्पेसिफिक इशू पर कोर्ट को ओपिनियन चाहिए या असिस्टेंस चाहिए तो इस चीज़ के लिए जो कोर्ट है वो एक या एक से ज्यादा एक्सपर्ट को इंगेज कर सकती है सेक्शन ट्वेंटी ए में ये कहा गया है कि जो कोर्ट है वो ऐसे सूट में इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी जिनमें ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व है जो रिलेटेड है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से और इंजंक्शन ग्रांट करने की वजह से इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का जो प्रोग्रेस है जो कंप्लीशन है वो इंजंक्शन की वजह से क्या हो सकता है रुक सकता है उसमें बाधा आ सकती है उसमें डिले हो सकता है तो इसी वजह से सेक्शन ट्वेंटी ए के तहत जो कोर्ट है उसको बोला गया है कि ऐसे सूट में आप इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेंगे और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट के सूट होते हैं उनको ट्राई करने के लिए सेक्शन ट्वेंटी बी में स्पेशल कोर्ट का प्रावधान किया गया है और स्पेशल कोर्ट को क्रिएट करने के लिए इम्पावर किया गया है स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक या एक से ज्यादा सिविल कोर्ट को स्पेशल कोर्ट की पावर दे देगी स्पेशल कोर्ट बना देगी और फिर वो स्पेशल कोर्ट क्या करेगी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट वाले सूट होते हैं उनको ट्राई करेगी सेक्शन 20 सी स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करने के प्रिंसिपल को इंश्योर करता है यानी कि जितना जल्दी हो सके सक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत आपका सूट डिस्पोज ऑफ हो जाए और इसके लिए टाइम लिमिट कोर्ट को दे रखी है कितनी ट्वेल्व मंथ की कि जिस दिन डिफेंडेंट को सम्मन सर्व हुआ है उस दिन से बारह महीनों के अंदर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत अगर कोई सूट आता है वो डिस्पोज ऑफ होना चाहिए और अगर 12 महीनों के अंदर डिस्पोज ऑफ नहीं होता है तो 6 महीने के लिए और ये टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है और आगे जो 6 महीनों के लिए टाइम पीरियड एक्सटेंड किया जा रहा है उसको एक्सटेंड करने से पहले ये चीज़ क्यों की जा रही है इसका रीजन क्या है वो राइटिंग में कोर्ट क्या करेगी रिकॉर्ड करेगी सिर्फ इतना इतना आपने इन सेक्शन में ध्यान रखना है अगला चैप्टर है चैप्टर चैप्टर और इस में दिया गया है सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्शन जो कि है सेक्शन ट्वेंटी रैक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है इंस्ट्रूमेंट जिसकी वजह से सेक्शन ट्वेंटी सिक्स का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड हो गया है इंस्ट्रूमेंट अपने आप में ही एक वाइडर टर्म है जिसमें लीगल डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट ये सब चीजें इंक्लूड होती हैं बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट क्या होता है एक डॉक्यूमेंट होता है जहां पर राइट्स लाइबिलिटीज वगैरह क्रिएट किए जाते हैं ट्रांसफर किए जाते हैं रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं लिमिट किए जाते हैं एक्सटेंड किए जाते हैं और रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट में करेक्शन करना चेंजेस करना सेक्शन 26 सिक्स ये कहता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई इंस्ट्रूमेंट जो कि राइटिंग में है जो कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का वो जिस मकसद से क्रिएट किया गया था जो रियल इंटेंशन थी उसको क्रिएट करने की वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है क्यों नहीं कर रहा है क्योंकि या तो पार्टी से कुछ म्यूचुअल मिस्टेक हो गई है या फिर उनमें से किसी पार्टी ने क्या कर दिया फ्रॉड कर दिया है तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी पार्टी या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव वगैरह उस इंस्ट्रूमेंट को या फिर कॉन्ट्रैक्ट को जो भी चीज़ है वो रेक्टिफाई कराने के लिए सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं सेक्शन 26 के तहत इनके अलावा अगर कोई सूट पहले से ही इंस्टीट्यूट हुआ हुआ है और उस सूट में किसी इंस्ट्रूमेंट के तहत कोई राइट right अराइज हो रहा है और उस इंस्ट्रूमेंट में जो राइट right अराइज हो रहा है वो इशू में है तो तब यहाँ पर प्लेंटिफ क्या कर सकता है उसी सूट के तहत अपनी प्लीडिंग में ऐसे इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई किए जाने का क्लेम कर सकता है और ऐसे सूट में ही डिफेंडेंट को भी राइट right मिलता है कि वो जो भी उसके पास अदर डिफेंस के ग्राउंड हैं उनको पेश करने के साथ साथ वो इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई करने की मांग भी कर सकता है तो अब मान लो सबसेक्शन वन के तहत सूट डल गया रेक्टिफिकेशन के लिए तो ऐसे सूट में अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ बात है जो इंस्ट्रूमेंट है वो फ्रॉड की वजह से या फिर मिस्टेक की वजह से जो रियल इंटेंशन थी पार्टीज की उनको एक्सप्रेस नहीं कर रहा है तो तब जो कोर्ट है वो अपने डिस्क्रिप्शन के अनुसार डायरेक्ट कर सकता है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसको रेक्टिफाई करो ताकि जिस इंटेंशन से उसको क्रिएट किया गया था उस इंटेंशन को वो एक्सप्रेस करे बट 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 ये जो रेक्टिफिकेशन के लिए कोर्ट डायरेक्शन दे रही है इस चीज़ से थर्ड पर्सन के उन राइट्स के ऊपर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए जो कि थर्ड पर्सन ने गुड फेथ में कंसिड्रेशन वगैरह देकर एक्वायर किए हैं थर्ड सबसेक्शन में ये कहा गया है कि बेसिकली पहले क्या होता है रेक्टिफिकेशन होता है और उसके बाद अगर पार्टी ने अपनी प्लीडिंग में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की मांग की थी तो तब रेक्टिफिकेशन के बाद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एनफोर्स की जाती है रेक्टिफाई किए गए इंस्ट्रूमेंट की कॉन्ट्रैक्ट की और ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि सेक्शन 26 के तहत इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई करने की जो रिलीफ दी जा रही है वो तब तक नहीं ग्रांट की जाएगी जब तक कि आप स्पेसिफिकली क्लेम नहीं करेंगे उस चीज़ को अपनी प्लीडिंग में लेकिन 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 फिर से वही चीज़ रुको ज़रा सबर करो अगर कोई पार्टी जो है वो ये वाली जो रिलीफ है उसको अपनी प्लीडिंग में क्लेम नहीं करती है तो जो कोर्ट है वो प्रोसीडिंग किसी भी स्टेज पर उन टर्म्स को लगा के जो कि कोर्ट को लग रही है जस्ट उस पार्टी को अलाउ कर देगी कि कोई बात नहीं बच्चे अपने प्लीडिंग में अमेंडमेंट कर लो और उस क्लेम को भी इंक्लूड कर लो और आगे ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो फ्रॉड या म्यूचुअल मिस्टेक हुई है वो कितने टाइम के अंदर डिस्कवर हो जाना चाहिए इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं दे रखी है यहाँ पे अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर फोर और ये चैप्टर बात करता है रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और इस चैप्टर में सेक्शन ट्वेंटी सेवन से लेकर थर्टी तक दिए गए हैं तो बेसिकली जो रिसेशन होता है कॉन्ट्रैक्ट का इसका मतलब होता है कि ये चीज़ कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करती है फ्रॉम द बिगनिंग ऐसे कैंसिल करती है जैसे कि कुछ था ही नहीं वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी जैसे ब्रेकअप नहीं हो जाता उसके बाद ऐसे हो जाते हैं दो प्यार करने वाले लोग जैसे कि वो कभी एक साथ थे ही नहीं ज्यादा रिलेट मत कर लेना इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट के तहत राइट्स एंड ड्यूटीज जो होती है ना पार्टीज की वो रेट्रोस्पेक्टिवली खत्म होती हैं और जो सिचुएशन पहले थी उसको एज इट इज वापस रिस्टोर किया जाता है अगर पार्टी ने उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जिसका यहाँ पर रिस्टेशन कराया गया है कोई बेनिफिट वगैरह रिसीव किया है वो बेनिफिट वो अदर पार्टी को रिस्टोर करके देती है तो इस तरह से पार्टी जिस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट में आने से पहले थे वही सिचुएशन उनकी वही पोजीशन उनकी रिस्टोर होती है तो इस तरह से जो रिसीशन होता है कॉन्ट्रैक्ट का ये एक इक्विटेबल रेमेडी होती है और ये डिस्क्रिशनरी नेचर की है यानी कि कोर्ट के ऊपर है कोर्ट आपको ये रेमेडी दे या ना दे इसके अलावा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ सेक्शन दिए गए हैं जहां पर किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट का जैसे कि सेक्शन 39, 53, 55 एंड 64 में तो इस तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको कई तरीकों से एंड किया जा सकता है जो कि यहां पर मेंशन है और इनमें से एक तरीका है रिशेशन जिसके बारे में सेक्शन ट्वेंटी से लेकर थर्टी तक दिए गए हैं चैप्टर नंबर फोर में सेक्शन ट्वेंटी दो चीजें बताता है पहली कि कब रिसेशन मिलेगा दूसरी कि कब रिसेशन देने से कोर्ट रिफ्यूज़ कर देगी तो पहली वाली की अगर हम बात करें तो बेसिकली अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि जो प्लांटिव है उसके पर वो वाइडेबल नेचर का है फॉर एग्जाम्पल अगर आपके ऊपर अंडू इन्फ्लुएंस करके कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है या मिसरिप्रेजेंटेशन की जाती है या फिर आपके साथ फ्रॉड होता है कोवर्शन वगैरह किया जाता है मतलब आपकी फ्री कंसेंट में अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है तो तब आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट आपके इंस्टांस पर वॉइडेबल नेचर का है तो अगर ऐसी स्थिति है या फिर स्थिति यह है कि प्लेंटिफ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है प्लेंटिव के द्वारा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेबल है या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अनलॉफुल है ऐसे कॉजेस की वजह से जो कि अपेरेंट नहीं हो रहे हैं ऑन द फेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और यहां पर प्लेंटिव की तुलना में ज्यादा ब्लेम डिफेंडेंट का है तो इनमें से कोई भी सिचुएशन अगर होती है तो कोई भी पर्सन जिसका ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट है क्या कर सकता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के रिसेशन के लिए सूट फाइल कर सकता है और इन परिस्थितियों में कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन के आधार पर रिसीशन एडजस्ट कर सकती है लेकिन कब कोर्ट एडज नहीं करेगी रिसीशन या फिर कब कोर्ट रिफ्यूज कर देगी रिसीशन की रेमेडी देने से तो पहली चीज ये है कि अगर प्लेटिव एक्सप्रेसली या फिर इंप्लाइडली ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई कर दिया है तो अब काहे आ रहे हो रिसेशन की रेमेडी लेने पहले तो आप इसको रेटिफाई कर दिए अब रिसेशन नहीं मिलेगा सेकेंडली अगर सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस हो गई है यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उसका सब्सटेंशियल पार्ट परफॉर्म हो चुका है और इतना परफॉर्म हो चुका है कि अब जो पार्टीज की पहली पोजीशन थी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से पहले उसको रिस्टोर नहीं किया जा सकता है फॉर एग्जांपल उनमें से कोई एक पार्टी मोस्ट ऑफ उसकी जो लीगल ऑब्लिगेशन बन रही थी कॉन्ट्रैक्ट में उनको कंप्लीट कर दी है और अब जो पार्टी है उसकी जो पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट से पहले थी उसको वापस रिस्टोर नहीं किया जा सकता है तो अब यहां पर भी आपको रिसेशन नहीं दिया जाएगा नेक्स्टली यहां पर जिस कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत अगर थर्ड पार्टी बिना उस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी कमियां थी जो भी हमने सब सेक्शन वन में डिस्कस की उनको नोटिस किए गुड फेथ में वैल्यू वगैरह देकर क्या कर लेती है उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कोई राइट वगैरह एक्वायर कर लेती है तो तब भी आपको रिसेशन की रेमेडी नहीं दी जाएगी नेक्स्टली अगर जो पार्ट आपने कॉन्ट्रैक्ट का रिसिन कराना है वो बाकी कॉन्ट्रैक्ट से अलग नहीं किया जा सकता है तो तब भी आपको रिसेशन की रेमेडी नहीं दी जाएगी तो ये चार सरकम दिए गए हैं सबसेक्शन टू में जब आपको कोर्ट क्या कर सकता है रिसीशन की स्पेसिफिक रिलीफ देने से मना कर सकता है रिफ्यूज कर सकता है सेक्शन 28 में कुछ सरकम बताए गए हैं जहां पर रिजिटेशन कराया जा सकता है तो बेसिकली दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है एक हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट दूसरा हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी को लीज पर देने का कॉन्ट्रैक्ट अगर सेल वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो जो पार्टी बेच रही है वो होगी वेंडर और जो पार्टी खरीद रही है वो होगी परचेजर तुम मान के चलो वेंडर मैं हूं परचेजर आप हैं दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है लीज पर देने का ऐसे केस में जो लीज पर दे रही है पार्टी वो कहलाएगी लेसर और जिसको दिया जा रहा है लीज पर वो कहलाएगा लेसी यहां पर वेंडर या लेसर जो भी है ये मैं हूं और परचेजर या लेसी ये जो भी है ये आप हैं तो अगर आप क्या नहीं कर रहे हैं आप इस कॉन्ट्रैक्ट में जो आपका पार्ट था वो परफॉर्म नहीं कर रहा है मैं जमीन देने के लिए तैयार हूं बट आप उसके बदले में जो पैसा आपने देना था वो

तो उस टाइम पीरियड के अंदर आप पे करोगे लेकिन अगर आप नहीं करते हो पे तो अब मैं क्या कर सकती हूँ बींग वेंडर या बींग लेसर इसी सूट में जो मैंने डाला था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जिसमें डिग्री आई थी कोर्ट में अप्लाई कर सकती हूं कि अब कुछ नहीं हो सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट को ही रिसाइन कर दिया जाए इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंट रिसाइन जो भी चीज होती है ये ये कर दिया जाए मेरे प्रोनासिएशन में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे गड़बड़ हो जाती है तो आप इस चीज़ को ना ऑटो तो करेक्ट करते हुए चला करो और कहीं पर आपको लगता है ना कि ये वर्ड मैंने थोड़ा ऊपर नीचे बोल दिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो तो अब जैसा कि आपने क्या किया है आपने कोर्ट में अप्लाई कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंट कराने के लिए तो जो कोर्ट है उसका डिस्क्रिप्शन है वो अपने डिस्क्रिप्शन के अनुसार क्या कर सकती है उस कॉन्ट्रैक्ट को या तो सिर्फ पार्टी जो डिफॉल्ट की है उसके कंटेक्सट में या फिर बाकियों के भी कंटेक्ट में रिसेंट करने का ऑर्डर दे सकती है और रिसेंट करने के ऑर्डर देने के साथ साथ जो कोर्ट है वो परचेजर को या फिर लेसी को डायरेक्ट करेगी कि अगर आपने उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसी प्रॉपर्टी का पोजेशन लिया था तो वो प्रॉपर्टी वेंडर को या फिर लेसर को यानी कि मुझे क्या करें रिस्टोर करे उसका पोजेशन आप मुझे पोजेशन लिया था मुझे पोजेशन रिस्टोर किया है इस बीच अगर आपने रेंट वगैरह लिया है प्रॉफिट वगैरह लिया है उस प्रॉपर्टी से तो उसका भी पेमेंट करने के लिए कोर्ट डायरेक्ट करेगी आपको कि वो भी आप वेंडर को या लेसर को पे कर दें और अगर परचेजर ने या फिर लेसी ने वेंडर को या फिर लेसर को यानी कि अगर आपने मुझे कोई सम वगैरह अर्नेस मनी के रूप में दिया था या कुछ डिपॉजिट वगैरह किया था तो कोर्ट अब वेंडर या फिर लेसर को यानी कि मुझे डायरेक्ट करेगी कि वो चीज क्या करूं मैं आपको रिफंड कर दूं मैं परचेजर को लेसी को रिफंड कर दूं लेकिन अगर कहानी ही बदल जाती है कहानी ये हो जाती है डिग्री के तहत जो अमाउंट जो परचेज मनी जितने टाइम के अंदर मुझे देने के लिए आपको कहा गया था परचेजर या लेसी को कहा गया था आप क्या कर देते हैं वो पे कर देते हैं तो तब आप सेम सूट में एप्लीकेशन लगाएंगे कि अब जिस रिलीफ के लिए आप एंटाइटल होते हैं यानी कि परचेजर और लेसी जिस रिलीफ के लिए एंटाइटल होता है वो रिलीफ उसको दी जाए और उस रिलीफ में आपकी इंक्लूड हो सकती है यहां पर जो रिलीफ बताई गई है ये दोनों की दोनों या फिर इन दोनों में से कोई भी एक लाइक एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रॉपर कन्वेंस और लीज बाय वेंडर और लेसर और इसके बाद पोजेशन की डिलीवरी कराई जाए अगर पार्टीशन होना है प्रॉपर्टी में तो पार्टीशन करा के सेपरेट पोजेशन दिलवाया जाए नेक्स्ट ली यहां पर यह कहा गया है कि सेक्शन 28 के तहत जिस रिलीफ को आप प्राप्त कर सकते हैं उस रिलीफ के लिए सेपरेट सूट नहीं ला सकते हैं आप और सेक्शन 28 के तहत जो कोई भी प्रोसीडिंग चली है उसकी कॉस्ट कौन पार्टी देगी ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है अपने डिस्क्रिप्शन के अनुसार कोर्ट किसी भी पार्टी को कह सकती है कि आप क्या करो जो प्रोसीडिंग चली थी उसकी कॉस्ट आप पे करो नेक्स्टली सेक्शन 29 में आपको ये हिदायत दी गई है कि अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म कराने के लिए सूट फाइल करते हैं कोर्ट में तो उसी सूट में आप राइटिंग में प्रे कर सकते हैं कोर्ट के समक्ष कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एनफोर्स नहीं करा पाओगे तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को ना रिसाइन करवा देना तो इस तरह से अगर कोर्ट क्या करती है रिफ्यूज करती है कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो कोर्ट क्या कर सकती है आपको ये अल्टरनेटिव रिलीफ दे सकती है कि अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपको नहीं दी जा रही है तो अब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको वो रिसाइन कर दे सेक्शन थर्टी उस पार्टी को इक्विटी करने के लिए कहता है जिस पार्टी को मिला है रिसीशन का रिलीफ यानी कि अगर कोर्ट क्या कर रही है रिसीशन एडजस्ट कर रही है तो कोर्ट उस पार्टी से जिसको रिलीफ दिया गया है रिक्वायर कर सकती है कि उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो कि रिसेंड हुआ है जो भी बेनिफिट आपने अदर पार्टी से रिसीव किया था वो आप अदर पार्टी को रिस्टोर करो और जितना जस्टिस के लिए सफिशियंट हो उतना कंपनसेशन आप उसको दो तो यहां तक आपके रिस्टेशन के होते हैं सेक्शन कंप्लीट यहां पर आपका रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला चैप्टर होता है खत्म इसके साथ साथ आप एक सेक्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 75 उसको भी लिंक कर लेना तो बेसिकली यहां पर ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि ये चैप्टर बात करता था कॉन्ट्रैक्ट की रिजिस्टेशन की इंस्ट्रूमेंट वर्ड नहीं यूज हुआ है यहाँ पे यहाँ पे यूज हुआ है वर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो इस तरह से इसका जो स्कोप है इस चैप्टर का वो नैरो है एज कंपेयर टू अगला चैप्टर अगला चैप्टर क्या है अगला चैप्टर है आपका कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इस चैप्टर में दिए गए हैं सेक्शन थर्टी वन से लेकर थर्टी थ्री तक कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो कि पार्टीज के बीच में किसी ट्रांजेक्शन का प्रूफ है उसको नलिफाई करना यही होता है कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मतलब और ये आपका कवर हो रहा है चैप्टर नंबर फाइव में तो बेसिकली चैप्टर नंबर फाइव दो तरह के कैंसिलेशन की बात करता है एक हो गया कंप्लीट कैंसिलेशन एक हो गया पार्शियल कैंसिलेशन कंप्लीट कैंसिलेशन सेक्शन थर्टी वन में दिया गया है पार्शियल कंसलेशन सेक्शन थर्टी टू में दिया गया है तो यहां पर सेक्शन थर्टी वन को समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कोई एग्रीमेंट कब वॉइड हो सकता है और कोई एग्रीमेंट कब वॉइडेबल हो सकता है तो बेसिकली वॉइड उन सर्कमस्टांस में हो सकता है जिनका जिक्र किया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ सेक्शन में जैसे कि सेक्शन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फाइव वॉइडेबल कब हो सकता है अगर कोई एग्रीमेंट बेस्ड है कोवर्शन पर फ्रॉड पर अंडू इन्फ्लुएंस पर मिसरेप्रजेंटेशन पर तो वो हो जाएगा वाइड तो बेसिकली सेक्शन 31 में ये कहा गया है कि अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई रिटर्न इंस्ट्रूमेंट वाइड है या वाइड डबल है तो तब अगर उस व्यक्ति को ये रीजनेबल अप्रीहेंशन हो रही है कि अगर वो इंस्ट्रूमेंट को ऐसे ही छोड़ देगा ना तो फिर वो उसको सीरियस इंजरी कॉज कर सकता है तो तब वो व्यक्ति उस इंस्ट्रूमेंट को वॉइड या वॉइडेबल एडजस्ट कराने के लिए कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है और ऐसे सूट में जो कोर्ट है अपने डिस्क्रिप्शन के अनुसार उस इंस्ट्रूमेंट को वॉइड या वॉयडेबल एडजस्ट कर सकती है और ऑर्डर दे सकती है कि डिलीवर करो उसको और फिर हम उसको करते हैं कैंसिल तो यहां पर ये वाली लाइन जो है ना कि उसको रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि अगर उस इंस्ट्रूमेंट को एज इट इज छोड़ देगा तो तब वो इंस्ट्रूमेंट उस व्यक्ति को सीरियस इंजरी कॉज कर सकता है ये बेस्ड है एक मैगजीन पर जो कि है कुमे जिसका मतलब होता है सम प्रोबेबल फ्यूचर इंजरी टू द राइट्स और इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन ये प्री में पूछा जाता है सर। तो बेसिकली थर्टी वन के तहत जो व्यक्ति रिटर्न इंस्ट्रूमेंट को क्या करा रहा है एडजस्ट करा रहा है वॉइड या वॉइडेबल उसको प्रूव करना पड़ता है कि उसको रीजनेबल एप्रीहेंशन हो रही है कि अगर उस इंस्ट्रूमेंट को वो एज इज छोड़ देगा बाहर तो तब वो इंस्ट्रूमेंट उस व्यक्ति को सीरियस इंजरी कॉज कर सकता है और ये चीज आपको सेक्शन ट्वेंटी सेवन में जब आप रिश्शन कराते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट का प्रूव नहीं करनी पड़ती है नेक्स्ट ली आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन के तहत जो रिलीफ आपको दी जा रही है वो बेस्ड होती है प्रोटेक्टिव एंड प्रिवेंटिव जस्टिस पर यह प्री में पूछा जाता है नेक्स्ट ली सेक्शन 32 ये कहता है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो कि डिफरेंट राइट्स एंड डिफरेंट ऑब्लिगेशंस का एविडेंस है तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को जो कोर्ट है वो इन पार्ट ही कैंसिल करेगी और बाकी को एज ही वो रहने देगी तो यहां पर सेक्शन 32 में हो रहा है पार्शियल कैंसिलेशन तो अब अगर कोर्ट सेक्शन 31 के तहत कंप्लीटली या फिर सेक्शन 32 के तहत पार्शियली इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल करने का डिसाइड करती है तो अपने इस डिसीजन के साथ साथ उस व्यक्ति को जिसको ये रिलीफ दी जा रही है जिसके लिए कैंसिल किया जा रहा है इंस्ट्रूमेंट जो प्लेंटिव है उसको कोर्ट रिक्वायर करेगी कि तूने जो भी उस इंस्ट्रूमेंट के तहत अदर पार्टी से बेनिफिट लिया था वो बेनिफिट उस पार्टी को रिस्टोर कर और जितना कंपनसेशन देना जस्टिस के लिए जरूरी है उतना कंपनसेशन उसको दे सेक्शन 30 में जो हमने पढ़ा था सेक्शन 33 का सबसेक्शन 1 उसी के लगभग लगभग सिमिलर ही है नेक्स्टली ये चीज तो आपको पता ही होगी कि सेक्शन नाइन जो अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था वहां पर डिफेंडेंट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले सूट में राइट मिलता है कि अगर उसकी डिफेंस में उसके पास कोई ग्राउंड ऐसे हैं जो कि उसको कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड किसी अदर लॉज में अवेलेबल है तो वो उनको अपनी डिफेंस में पेश कर सकता है तो अब शन टू को समझने से पहले आपको ये चीज एज्यूम करके चलनी होगी कि आपके और मेरे बीच में एक इंस्ट्रूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है और उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने के लिए मैंने कोर्ट में सूट फाइल किया है तो यहां पर मैं हुई प्लेंटिव आप हुए डिफेंडेंट तो आप ये कहते हैं कि अरे मेरी अम्मा मैं इसको कैसे स्पेसिफिकली परफॉर्म कर सकता हूं ये तो इंस्ट्रूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो भी है ये ये मेरे इंस्ट्रांस पर वेडेबल है यानी कि जीनत जी आपने ये इंस्ट्रूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे साथ किया था ये हमारे ऊपर कोअर्शन करके किया था अंडू इन्फ्लुएंस करके किया था मिस रिप्रेजेंटेशन करके किया था हमारे साथ फ्रॉड करके किया था या फिर ये इंस्ट्रूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो भी चीज है ये ये वॉइड है यानी कि जो डिफेंडेंट था यानी कि जो आप थे वो सेक्शन इलेवन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत एग्रीमेंट करने के लिए कॉम्पिटेंट ही नहीं थे तो इस तरह से ये जो इंस्ट्रूमेंट है या फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट ना करके इसको कैंसिल कर दिया जाए ये चीजें आप क्या करते तो देगा नहीं। तो अब जो है वो अगर इंस्ट्रूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के कैंसिलेशन का ऑर्डर दे रहा है तो इसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के वॉइडेबल होने के केस में डिफेंडेंट से रिक्वायर करेगा कि उस इंस्ट्रूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के तहत डिफेंडेंट ने जो भी बेनिफिट अदर पार्टी से यानी कि आपने जो भी बेनिफिट मुझसे इंस्ट्रूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के तहत लिया था वो आप मुझे रिस्टोर करें या फिर आपसे रिक्वायर करेगा कोर्ट कि आप मुझे कंपनसेशन दे यानी कि डिफेंडेंट प्लेंटिव को कंपनसेशन दे लेकिन अगर वो इंस्ट्रूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जिसको कोर्ट यहां पर कैंसिल करने का ऑर्डर दे रही है वो इस आधार पर दे रही है कि वो वॉइड था तो तब डिफेंडेंट से सिर्फ और सिर्फ वो ये रिक्वायर करेगी कैंसिलेशन के ऑर्डर के साथ कि अगर उस एग्रीमेंट के तहत डिफेंडेंट ने कोई बेनिफिट रिसीव किया है अदर पार्टी से तो वो उसको रिस्टोर करे यहां पर कंपनसेशन देने के लिए नहीं कहा जाएगा डिफेंडेंट से तो बेसिकली वही चीज यहां पर आ जाती है कि जो सेक्शन थर्टी थ्री है ये बेस्ड है ही इक्विटी मस्ट डू इक्विटी इस मैक्सिम पर अगर आप मेरे से इक्विटी चाहते हो तो आप भी इक्विटी करो तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर फिफ्थ कंप्लीट अगला चैप्टर है चैप्टर सिक्स और इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ दो ही सेक्शन है सेक्शन थर्टी फोर एंड सेक्शन थर्टी फाइव और ये बात करते हैं डिक्लेरेटरी डिग्री से डिक्लेरेटरी डिक्री यानी कि वो डिक्री जो कि डिक्लेयर करे कि कोई पर्सन किसी लीगल करैक्टर के लिए या फिर किसी प्रॉपर्टी में किसी राइट right के लिए इंटाइटल है और ये जो होती है डिक्लेरेटरी डिक्री ये सिर्फ तभी ग्रांट की जाती है जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराई जा सकती है कंपनसेशन ऑप्टेन नहीं किया जा सकता है इसको हम एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकते हैं टोटली डिपेंड करती है कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे तो कोर्ट साउंड प्रिंसिपल ऑफ लॉ जो दिए गए हैं उनके आधार पर अपना डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करके ही आपको डिक्लेरेटरी डिग्री देता है फॉर एग्जाम्पल आप किसी की जमीन में 20 सालों से ओपनली बिना किसी इंटरप्शन के आ जा रहे हैं मतलब राइट टू वे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 20 साल बाद दो सालों के अंदर आप सेक्शन 34 के तहत सूट फाइल करके उस प्रॉपर्टी में जो आपका राइट टू वे है ये डिक्लेयर करा सकते हैं कि आप उसके लिए एंटाइटल हैं चीज आपने देखी होगी सेक्शन ट्वेंटी फाइव ऑफ लिमिटेशन एक्ट में सेक्शन थर्टी फोर ये कहता है कि अगर आप किसी लीगल करेक्टर के लिए टाइटल है या फिर आपका किसी प्रॉपर्टी में कोई राइट right बन रहा है लीगल करेक्टर जैसे कि आप किसी के बेटा है या फिर आप किसी की वाइफ वगैरह है और प्रॉपर्टी में राइट right जैसे कि मान लो आपका किसी प्रॉपर्टी में ईजमेंट्री राइट right बन रहा है तो अगर आपके उस लीगल करेक्टर को या फिर आपके उस राइट right को कोई डिनाई कर रहा है या फिर डिनाई करने में इंटरेस्टेड है तो इसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हैं सूट फाइल कर सकते हैं और कोर्ट से आप ये डिक्लेयर करवा सकते हैं कि वो लीगल करैक्टर आपका है वो राइट right उस प्रॉपर्टी में आपका है आप उस लीगल करैक्टर के लिए एंटाइटल है आप उस प्रॉपर्टी में उस राइट right के लिए एंटाइटल है तो अब आपने जैसे कि सूट फाइल कर दिया कोर्ट में तो कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन के अनुसार जिस लीगल करैक्टर के लिए या फिर प्रॉपर्टी में जिस राइट right के लिए आप एंटाइटल है उसको डिक्लेयर कर सकती है सेक्शन थर्टी फोर में यहाँ पर आपको वो रिलीफ मांगने की जरूरत नहीं है जो नॉर्मली दी जाती है जो फर्दर रिलीफ दी जाती है वो आपको मांगने की जरूरत नहीं है लेकिन सिर्फ और सिर्फ टाइटल को डिक्लेयर करने के अलावा आप किसी फर्दर रिलीफ के लिए टाइटल थे कोई कंसिक्वेंशल रिलीफ आप मांग सकते थे बट आपने नहीं मांगी फिर जो कोर्ट है वो रिलीफ आपको नहीं देगी उस पर बार लग जाएगा वो आप फिर अलग से क्लेम नहीं कर सकते हैं यानी कि प्रोवाइजो में यह कहा गया है कि कोर्ट जो है वो सेक्शन 34 के तहत डिक्लेरेशन नहीं करेगी कब जब जो प्लेटिव है वो सिर्फ और सिर्फ टाइटल को डिक्लेयर करने के अलावा फर्दर रिलीफ भी मांग सकता था बट उसने फर्दर रिलीफ नहीं मांगी फर्दर रिलीफ क्या जैसे कि जो प्लेंटिव है उसके पास प्रॉपर्टी का पोजेशन नहीं है और वो सिर्फ कोर्ट में जा रहा है किस लिए कि टाइटल डिक्लेयर कर दो मेरा उस प्रॉपर्टी में कि मैं उस प्रॉपर्टी का ओनर हूं मेरे पास टाइटल है लेकिन इसके साथ साथ वो उस प्रॉपर्टी का पोजेशन मांग नहीं रहा है जो कि उसको मांगना चाहिए था तो अब जो उसका सूट है वो सेक्शन 34 में मेंटेनेबल नहीं होगा ये बात प्रोवाइजो में कही गई है तो इस तरह से ये जो डिक्लेरेटरी डिक्री होती है ये कोई न्यू राइट क्रिएट नहीं करती है जो एग्जिस्टेंस में राइट right है उसी को वो डिक्लेयर करती है कि उस राइट right के लिए कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसने क्या किया है सूट फाइल किया है डिक्लेरेटरी का और बेसिकली ये इशू की जाती है क्या क्या डिक्लेयर करने के लिए जैसे लेजिटमेसी हो गई लेजिटमेसी हो गई नेशनैलिटी रैंक पोजिशन इज मैंटरी राइट तो ये कुछ एग्जाम्पल है जहां पर डिक्लेरेटरी डिग्री इशू करवाई जा सकती है और डिक्लेरेटरी डिग्री को कहा जाता है कि ये जूस इन पर्सनम है यानी कि जो डिक्लेरेटरी डिक्री आती है चैप्टर नंबर सिक्स के तहत ये सिर्फ और सिर्फ कंक्लूसिव होती है बाइंडिंग होती है किन के बीच सूट की पार्टीज के बीच सेकेंडली सूट की पार्टीज के जो रेस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव है जो उनके थ्रू क्लेम कर रहे हैं उनके बीच थर्डली जो फ्यूचर ट्रस्टी होता है जो ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन एग्जिस्टेंस में होता है सिर्फ इन्हीं लोगों के बीच में एज पर सेक्शन थर्टी फाइव जो डिक्लेरेटरी डिक्री होती है वो बाइंडिंग होती है कंक्लूसिव होती है तो इस तरह से ये हुई जूस इन पर्सनम तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर सिक्स कंप्लीट तो यहाँ पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का पार्ट टू हो गया है कंप्लीट जिसमें चैप्टर वन से लेकर चैप्टर सिक्स तक दिए गए थे अब बारी है पार्ट थ्री की और इसमें है सिर्फ और सिर्फ दो ही चैप्टर चैप्टर सेवन एंड चैप्टर एट चैप्टर सेवन जो दिया गया है इसमें सेक्शन थर्टी सिक्स एंड थर्टी सेवन है ये चैप्टर बेसिकली बात करता है प्रिवेंटिव रिलीफ के बारे में और प्रिवेंटिव रिलीफ को स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है प्रिवेंटिव रिलीफ बेसिकली वो रिलीफ होती है जो एक पर्सन को ऐसा एक्ट करने से रोकती है जिस एक्ट को करने के लिए वो व्यक्ति लायबल नहीं होता है यानी कि ऐसी रिलीफ जिसके तहत कोर्ट प्रिवेंट करती है एक पार्टी को वो करने से जो ना करने के लिए वो पार्टी बाउंड है फॉर एग्जाम्पल एक डांस परफॉर्मर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कि वो एवरी नाइट बी के थिएटर में डांस करेगी बट दो तीन होते नहीं कि जो डांस परफॉर्मर है वो डांस करने से मना कर देती है अब जो बी है वो डांस परफॉर्मर के अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट फाइल नहीं कर सकता है क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच हुआ था ये बेस था डांस परफॉर्मर की पर्सनल स्किल्स पर और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को एज पर सेक्शन 14 क्लोज सी स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है तो अब जो बी है वो क्या करे तो जो बी है वो क्या कर सकता है अब कोर्ट से प्रिवेंटिव रिलीफ ले सकता है और डांस परफॉर्मर को रिस्ट्रेन कर सकता है कि जैसा कॉन्ट्रैक्ट बी के साथ उसने किया था वैसा कॉन्ट्रैक्ट वो किसी और के साथ ना कर सके यानी कि बी के थिएटर में तुमने डांस नहीं किया तो अब तुम किसी और के थिएटर में भी नहीं कर सकते हो और प्रिवेंटिव रिलीफ आपको ग्रांट की जाए या ना ग्रांट की जाए ये चीज़ टोटली डिपेंड है कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर इसको आप एज़ अ मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकते हैं ये चीज़ कही गई है सेक्शन 36 में कहा यह गया है कि जो प्रिवेंटिव रिलीफ होती है ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के अनुसार ही ग्रांट की जाती है और ये ग्रांट की जाती है किसके जरिए इंजंक्शन के जरिए प्रिवेंटिव रिलीफ को ग्रांट करने का तरीका क्या है तरीका है इंजंक्शन और इंजंक्शन टेम्प्ररी हो सकता है परपैचुअल हो सकता है इंजंक्शन के दो टाइप होता है टेम्प्ररी इंजंक्शन या फिर परपैचुअल इंजंक्शन अब ये इंजंक्शन चीज़ क्या है ये भी कहीं पर डिफाइन नहीं है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में बेसिकली जब कोर्ट ऑर्डर के थ्रू या फिर डिग्री के थ्रू किसी पार्टी को कुछ करने के लिए कंपेल करती है या फिर कुछ करने से रोकती है तब हम कहते हैं कि कोर्ट ने ग्रांट कर दिया है इंजंक्शन इन अदर वर्ड में कह सकते हैं कि जो इंजंक्शन होता है ये जुडिशियल वार्निंग होती है या फिर ये जुडिशियल ऑर्डर होता है जिसके तहत किसी पार्टी को, को कोई एक्ट करने से रोका जाता है या फिर कोई एक्ट करने के लिए कंपेल किया जाता है इस तरह से ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि जो इंजंक्शन होता है ये वहाँ पर आपको ग्रांट किया जाता है जब पिक्यूनरी रिलीफ अगर आपको दी जाए तो वो एडिक्वेट नहीं होगी ये सिविल कोर्ट में ग्रांट होता है रेवेन्यू कोर्ट में ग्रांट नहीं किया जाता है अगर आप इसका कंप अप्लाई नहीं करते हैं तो ये चीज कंटेम्प ऑफ कोर्ट मानी जाती है इंजंक्शन जो है ये आपका पब्लिक बॉडीज के अगेंस्ट भी इशू किया जा सकता है एक वाइफ अपने हस्बैंड को सेकेंड मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करने से रोकने के लिए भी इंजंक्शन की रिलीफ ले सकती है आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इंजंक्शन ले सकते हैं बट एज अ मैटर ऑफ राइट इंजंक्शन को आप क्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये टोटली totally डिपेंड है कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर कि इंजंक्शन आपको ग्रांट वो करे या ना करे लास्टली इंटरम इंजंक्शन जो दिया जाता है उसकी कोई प्रिसिडेंशियल वैल्यू नहीं होती है तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपने प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने हैं कई बार कंफ्यूजन होती है कि इंजंक्शन और जो स्टे है ये दोनों एक जैसे ही लगते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है इंजंक्शन अलग चीज़ है स्टे अलग चीज़ है स्टे बेसिकली जुडिशियल प्रोसीडिंग को सस्पेंड करता है स्टॉप करता है इसके कंटेक्स में आप सेक्शन टेन सीपीसी का देख सकते हैं वहीं अगर हम बात करें इंजंक्शन की तो इंजंक्शन कोई एक्ट परफॉर्म करने से या तो रोकता है या फिर किसी एक्ट को परफॉर्म करने के लिए बाउंड करता है कंपेल करता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 37 में दो तरह के इंजंक्शन की बात की गई है सबसेक्शन वन में टेम्पररी इंजंक्शन की और सबसेक्शन टू में परपैचुअल इंजंक्शन की टेम्प्ररी इंजंक्शन गवर्न होता है सी के प्रोविजन्स जो यहाँ पर लिखे हैं इन प्रोविजन्स थे और इन प्रोविजन्स में बताया गया है कि किन किन सर्कमस्टांसिस में टेम्प्ररी इंजंक्शन ग्रांट किया जाता है वहीं अगर हम बात करें प्रपैचुअल इंजंक्शन की तो प्रपैचुअल इंजंक्शन गवर्न होता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सेक्शन 38 से लेकर सेक्शन 42 तक जो दिए गए हैं चैप्टर नंबर एट में उन प्रोविजन से नेक्स्टली जो टेम्प्ररी इंजंक्शन होता है ये सूट के किसी भी स्टेज पर ग्रांट किया जा सकता है बट परपैचुअल इंजंक्शन बाय द डिक्री ग्रांट होता है यानी कि एट द एंड ये ग्रांट हो रहा है आफ्टर द हियरिंग बोथ द पार्टीज एंड अपॉन द मैरिट्स ऑफ द सूट जो डिक्री आती है उसके थ्रू परपैचुअल इंजंक्शन ग्रांट होता है इसलिए एक बार अगर प्रोपैचुअल इंजंक्शन ग्रांट हो गया तो उसको विदड्रॉ नहीं किया जा सकता है बट जो टेम्प्ररी इंजंक्शन होता है ये बेसिकली प्रोविजनल नेचर का होता है कभी कभी इसको इंटरिम इंजंक्शन के नाम से भी जाना जाता है ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह का ऑर्डर होता है जो कि कोई स्पेसिफिक टाइम तक कंटिन्यू रहता है या फिर या फिर अंटिल फर्दर ऑर्डर ऑफ़ द कोर्ट ये कंटिन्यू रहता है और इसको जो कोर्ट इशू की है क्या कर सकती है विदड्रॉ भी कर सकती है क्योंकि इसका नाम ही टेम्प्ररी है तो यानी कि इसका नही चाह रहा है टेम्प्ररी टेंपरेरी इंजेक्शन के बारे में ऑर्डर 39 का वीडियो है हमारा youtube पर जो कि आपको i बटन पर मिल जाएगा आप उसको i बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं नेक्स्टली परपेचुअल इंजेक्शन जो है ये क्या करता है डिफेंडेंट को परपेचुअली रोकता है राइट right assert करने से परपेचुअली रोकता है परमानेंटली रोकता है कोई एक्ट कमिट करने से जो कि प्लेंटिफ के राइट right के कंट्रीरी हो तो अब आप लोग दिल थाम के बैठे हैं क्योंकि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट होने वाला है खत्म आखिरी चैप्टर अब हम डिस्कस करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर एट और इस चैप्टर में सेक्शन थर्टी एट से लेकर सेक्शन फोर्टी टू तक दिए गए हैं इंजंक्शन के बारे में बेसिकली प्रपैचुअल इंजंक्शन को ये सेक्शंस गवर्न करता है सेक्शन 37 के सब सेक्शन टू में हमने ये डिस्कस किया था कि जो प्रपैचुअल इंजंक्शन होता है वो बाय द डिक्री आता है जो कि ड्रॉ की जाती है आफ्टर द हियरिंग बोथ द पार्टीज और बेस्ड होती है मैरिज ऑफ द सूट पर सेक्शन थर्टी एट में बताया गया है कि किन केसेस में परपैचुअल इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है सेक्शन वन में कहा गया है कि सब्जेक्ट टू दी अदर प्रोविजन कंटेन इन और रेफर टू बाई दिस चैप्टर अगर होता यह है कि प्लेंटिव के फेवर में कोई ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट कर रही है या तो एक्सप्रेसली या फिर बाय इम्प्लीकेशन फॉर एग्जाम्पल डिफेंडेंट ने प्लेटिव को प्रॉमिस किया था कि वो उसके लिए कोई पर्टिकुलर एक्ट करेगा और ये चीज बकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट में में हुई थी एक्सप्रेसली था contract में. तो बाब्लिगेशन के ब्रीच को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है परपैचुअल इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है और इस तरह से अगर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड मैटर्स में कोई ऑब्लिगेशन राइज होती है तब परपैचुअल इंजंक्शन को ग्रांट करने से पहले जो कोर्ट है वो क्या करेगी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के चैप्टर नंबर टू में जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है जो भी प्रोविजन दिए गए थे जो भी रूल्स दिए गए थे उनको कोर्ट कंसिडर करेगी नेक्स्टली अगर ऐसा होता है कि जो प्लेंटिव का प्रॉपर्टी में राइट right है या फिर प्लेंटिव का जो एंजॉय करने का राइट right है प्रॉपर्टी को उसको अगर डिफेंडेंट इनवेट करता है मतलब वायलेट वगैरह करता है या फिर इनवेट करने का थ्रेटन करता है वायलेट करने का धमकी वगैरह देता है तो तब यहाँ पर जो सर्कमस्टांसिस बताए गए हैं उनकी एग्जिस्ट करने पर प्रपैचुअल इंजंक्शन कोर्ट ग्रांट कर सकती है पहला कि जो डिफेंडेंट था वो प्लेटिव की प्रॉपर्टी का ट्रस्टी था या फिर सिचुएशन ये है कि हम ये चीज़ असरटेन ही नहीं कर सकते हैं कि जो इन्वेजन किया गया है बाय द डिफेंडेंट उससे कितना एक्चुअल डैमेज हुआ है या फिर कितना एक्चुअल डैमेज हो सकता है या फिर ये चीज़ है कि जो इन्वेजन हुआ है वो ऐसा है कि अगर उसके बदले में मनी के रूप में कंपनसेशन दिया जाए तो ये चीज एडिक्वेट रिलीफ अफोर्ड नहीं करेगी या फिर मल्टीप्लिसिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग को रोकने के लिए इंजंक्शन ग्रांट करना जरूरी है तो इनमें से अगर कोई सरकम एग्जिस्ट करते हैं तो तब ऐसे केस में जो कोर्ट है वो परपैचुअल इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है सेक्शन थर्टी नाइन बात करता है मैंडेटरी इंजंक्शन के बारे में ये कहता है कि अगर किसी ऑब्लिगेशन के ब्रीच को रोकना है और इसके लिए ज़रूरी है कि कोई एक्ट वग़ैरह परफॉर्म किए जाने के लिए कंपेल करना और उन एक्ट के परफॉर्मेंस को एनफोर्स कराने के लिए जो कोर्ट है वो कैपेबल है यानी कि वो ऐसे एक्ट नहीं है जिनको एनफोर्स कराने के लिए कोर्ट कैपेबल वगैरह नहीं होती है बल्कि उनको करा सकती है कोर्ट के पास पावर है उनको एनफोर्स कराने की तो अब यहाँ पर ताकि जो ऑब्लिगेशन के ब्रीच को रोकने के लिए कंप्लेन की गई है उसको रोका जा सके और जो भी रिक्विजिट एक्ट है उनके परफॉर्मेंस को कंपेल किया जा सके कोर्ट क्या कर सकती है इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है अपने डिस्क्रिप्शन के अनुसार और जो इंजंक्शन यहां पर कोर्ट देगी वो कहलाएगा मैंडेटरी इंजंक्शन फॉर एग्जाम्पल एक्स एक पर्सन है जिसने एक नया बिल्डिंग बनाया है और उस बिल्डिंग को बनाने की वजह से जो जेड का राइट था लाइट को एक्सेस करने का यूज करने का वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है और वो राइट उसने एक्वायर किया था इजमेंट्री राइट के रूप में अंडर सेक्शन 25 फाइव ऑफ लिमिटेशन एक्ट तो अब यहाँ पर जो Z है वो X के अगेंस्ट मैंडेटरी इंजंक्शन अंडर सेक्शन थर्टी नाइन ऑप्टेन कर सकता है और पहली चीज तो वो एक्स को रोक सकता है कि वो बिल्डिंग को और ऊंचा ना बनाता जाए दूसरी चीज़ बिल्डिंग में जो स्ट्रक्चर इंक्रीज हुआ है जिसकी वजह से जेड की जो लाइट है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है उसको पुल डाउन कराने के लिए भी जो जेड है वो मैंडेटरी इंजंक्शन ले सकता है इस तरह से मैंडेटरी इंजंक्शन अंडू करता है उन इलीगल और ऑथोराइज एक्ट को जो कि किए जा चुके हैं जो परफॉर्म हो चुके हैं ताकि उनके किए जाने से पहले उनके परफॉर्म होने से पहले जो पोजीशन थी जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसको रिस्टोर किया जा सके फॉर एग्जांपल मैं आपके मेडिकल एडवाइज़र हूं और आप मेरे क्लाइंट हैं अब यहां पर जितना बनता है मेरा उतना पैसा आपने मेरे को दे ही रखा है लेकिन मैं और एक्स्ट्रा पैसे आपसे मांगती हूँ और आप देने से मना कर देते हैं फिर मैं बोलती हूँ कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो जो भी आपने मेरे साथ कम्युनिकेशन किया था जो भी आपकी डिटेल्स है मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह वो मैं पब्लिकली रिवील कर दूंगी तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं मेरे अगेंस्ट मैंडेटरी इंजंक्शन ले सकते हैं और इसके तहत पहली चीज़ तो आप मुझे प्रोहिबिट कर सकते हैं रिजिस्टेंट कर सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन आपने मेरे साथ किया था उसको मैं पब्लिकली रिवील ना करूं दूसरी चीज़ आप मुझे कंपेल कर सकते हैं कि जो भी मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट्स हैं आपकी मैं उनको डिस्ट्रॉय करूं तो ये था आपका सेक्शन 39 नाइन मैंडेटरी इंजंक्शन के बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके जो प्री में पूछे जाते हैं मैंडेटरी इंजंक्शन से वो यहां पर नोट किए हुए हैं आप इनको पढ़ लीजिएगा सेक्शन फोर्टी कहता है कि अगर आप सूट फाइल करते हैं अंडर सेक्शन 38 एट पर पैस इंजंक्शन की मांग करने का या फिर अंडर सेक्शन 39 नाइन मैंडेटरी इंजंक्शन की मांग करने का तो आप या तो इनके साथ साथ की प्रपैचुअल इंजंक्शन भी दो और साथ में डैमेजेस भी दो डैमेजेस की मांग कर सकते हैं या फिर ये मांग कर सकते हैं कि अगर ये नहीं दे रही कोर्ट तो इनके बदले इनके सब्सटीट्यूशन में डैमेजेस दे और अब कोर्ट की मर्जी है अगर आपने ये मांग उठाई है कि इन इंजंक्शन के एडिशन में या सब्सिट्यूशन में क्या दिया जाए डैमेजेस दिया जाए तो अब यहाँ पे कोर्ट की मर्जी है कि वो आपको दे या ना दे वो डैमेजेस वो अवार्ड करे डैमेजेस या ना करे फिर वही बात आ गई यहाँ पे सबसेक्शन टू में कि अगर आपने डैमेजेस की रिलीफ क्लेम नहीं की है अपनी प्लांट में तो तब आपको वो नहीं ग्रांट की जाएगी यहां पर लेकिन प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज पर कोर्ट आपको अलाउ कर देगी कि आप अपनी प्लेंट में अमेंडमेंट कर लें और जो डैमेजेस के लिए आपका क्लेम बन रहा है वो भी आप उसमें इंक्लूड कर लें आपके ऊपर वो टर्म्स वगैरह लगाकर जो कि कोर्ट को सही लग रहा है आपको कोर्ट अलाउ कर देगी आपके प्लांट में अमेंडमेंट करने के लिए ताकि आप डैमेजेस का जो क्लेम है वो उसमें इंक्लूड कर सके अब यहाँ पर आपके फेवर में कोई ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट अगर करती है और उसके ब्रीच को रोकने के लिए आप सूट फाइल करते हैं और वो हो जाता है डिसमिस तो ये चीज बार करेगी क्या राइट टू सू फॉर डैमेजेस फॉर सच ब्रीच उस ब्रीच के बदले अब आप डैमेजेस प्राप्त करने के लिए सूट फाइल ही कर सकते हैं तो ये सब बातें सेक्शन 40 में कही गई हैं अब तक हमने पढ़ा कि प्रपैचुअल इंजंक्शन एंड मैंडेटरी इंजंक्शन कब कब ग्रांट किया जाता है और सेक्शन 38 के सब सेक्शन 8 में जब हम पढ़ रहे थे कि किस सिचुएशन में आपको परपैचुअल इंजंक्शन ग्रांट किया जाएगा उसके लिए लिखा था वहाँ पे कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस तो जिन प्रोविजंस की बात की गई है उनमें आपका सेक्शन फोर्टी इंक्लूड है यानी कि सेक्शन फोर्टी के अधीन रहते हुई सेक्शन थर्टी एट केक्शन वन में जो बात कही गई है वो अप्लाई होगी तो बेसिकली ये चीजें हो गई क्लियर कि कब कब पर प्रोपैल इंजंक्शन ग्रांट होगा और, और कब मैंडेटरी इंजंक्शन ग्रांट होगा लेकिन अगर पूछा जाए कि कब नहीं दिया जाएगा इंजंक्शन तो सबसे पहली सिचुएशन ये है कि अगर आप इंजंक्शन की मांग कर रहे हैं और इंजंक्शन की मांग करने के लिए आपने इंस्टीट्यूट किया था सूट जिस टाइम पर आपने सूट इंस्टीट्यूट किया था कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग पेंडिंग में थी और आपने जो इंजंक्शन मांगा है वो इसलिए मांगा है ताकि उस जुडिशियल प्रोसीडिंग में किसी व्यक्ति को प्रोजिक्यूट करने से आप रोक सको तो यहाँ पर आपको कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी जब तक कि ये चीज मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए जरूरी ना हो यहाँ पर आप एक मैगजीम लगा सकते हैं जो कि है इंटरेस्ट रिपब्लिक का उचित फिनिश लीतिम जिसका मतलब है कि ये चीज स्टेट के इंटरेस्ट में है कि जो लिटिगेशन होती है उनका एंड हो तो अगर जो रिस्टेंट है वो जरूरी है मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसीडिंग को रोकने के लिए तब आपको इंजंक्शन ग्रांट कर दिया जाएगा अदरवाइज इंजंक्शन आपको यहां पर ग्रांट नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होता है और वो प्लेंटिफ को उसके भट्टे में काम करने से रोकने का आदेश देता है लेकिन जो प्लेंटिफ होता है वो उस आदेश का डिसबिडियंस कर देता है तो अब इस चीज़ की जो प्रोसीडिंग है वो चल रही होती है तो उस दौरान ही जो प्लेंटिफ है वो सूट इंस्टीट्यूट करता है इंजंक्शन की मांग करने के लिए कि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है उससे रोक दिया जाए जुडिशियल प्रोसीडिंग में प्रोजिक्यूट करने से तो यहाँ पर प्लेंटिफ को इंजंक्शन ग्रांट करने से कोर्ट मना कर देती है क्योंकि सेक्शन 41 का क्लोज ए ये कहता है कि जिस सूट में आपने इंजेंशन की मांग की है उस सूट के इंस्टीट्यूशन के दौरान अगर कोई जुडिशल प्रोसीडिंग पेंडिंग में है और आपने जो इंजंक्शन मांगा है वो इसलिए मांगा है ताकि उस जुडिशियल प्रोसीडिंग में किसी पर्सन को प्रोजीक्यूट करने से रोका जा सके तो इस चीज़ के लिए आपको इंजेंशन ग्रांट नहीं करेगी कोर्ट सेकेंडली तब भी आपको इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जाएगा अगर जिस कोर्ट में आपने इंजेंशन मांगा है वो सबॉर्डिनेट है किसी दूसरी कोर्ट के और आपने इंजंक्शन मांगा है किस लिए ताकि जो ऊपर वाली कोर्ट है जिसके सबॉर्डिनेट वो कोर्ट है जहाँ पर इंजंक्शन मांगा है उस ऊपर वाली कोर्ट में कोई पर्सन कोई प्रोसीडिंग वगैरह इंस्टीट्यूट ना कर सके या फिर किसी प्रोसीडिंग में प्रोजिक्यूट ना कर सके फॉर एग्जाम्पल जो ट्रायल कोर्ट है उसने कोई ऑर्डर वगैरह दिया है और उसकी आप ट्रायल कोर्ट के जो सुपीरियर कोर्ट है उसमें अपील करना चाहते हैं तो अब कोई पर्सन आपको यहाँ पर रोक नहीं सकता है ट्रायल कोर्ट में इंजंक्शन की मांग करके कि आपको सुपीरियर कोर्ट में अपील करने ना दिया जाए थर्डली अगर कोई पर्सन लेजिस्लेटिव बॉडी में अप्लाई करना चाहता है किसी भी तरीके की अपनी समस्या ले जाना चाहता है तो उसको उस चीज से रोकने के लिए आप इंजंक्शन नहीं ले सकते हैं नेक्स्टली किसी व्यक्ति को आप रोक नहीं सकते इंजंक्शन लेकर कि वो वो कोई क्रिमिनल केस इंस्टीट्यूट ना करे या फिर क्रिमिनल मैटर में जो प्रोसीडिंग चलती है वहां पर प्रोजिक्यूट ना करे क्लोज ई में यह कहा गया है कि आप किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच को रोकने के लिए इंजंक्शन नहीं ले सकते हैं जिसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को कोर्ट अंडर चैप्टर टू ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एनफोर्स नहीं कर सकता है बट इस बात का जो एक्सेप्शन है वो सेक्शन 42 में दिया गया है तो सेक्शन 42 में क्या कहा गया सेक्शन 42 में ये कहा गया है कि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सेक्शन 41 के क्लोज ई में क्या लिखा है अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट दो चीजों को इंक्लूड करता है एक अफॉर्मेटिव एग्रीमेंट जो कुछ करने के लिए है और एक निगेटिव एग्रीमेंट जो कि कोई एक्ट ना करने के लिए एक्सप्रेसली या फिर इंप्लाइडली उसमें इंक्लूड किया गया है तो अगर सरकम ऐसे हैं कि जो कोर्ट है वो अफर्मेटिव एग्रीमेंट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को कंपेल नहीं कर सकता है तो ये जो चीज़ है ये कोर्ट को नेगेटिव एग्रीमेंट की परफॉर्मेंस करने के लिए इंजंक्शन ग्रांड करने से नहीं रोकेगी बट शर्त ये है कि प्लेंटिव जो है वो जितना उसका पार्ट बनता था उस कॉन्ट्रैक्ट में वो परफॉर्म करने में फेल ना हुआ हो वो वो अपना परफॉर्म कर दिया हो तो यहाँ पर अगर आप नेगेटिव एग्रीमेंट को परफॉर्म कराने के लिए इंजंक्शन की मांग कर रहे हो तो इसलिए ये आपको भी होना चाहिए कि आपको जो चीज़ करनी थी उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत परफॉर्म वो आपने कर दी हो सेक्शन 41 के क्लोज एफ में ये कहा गया है कि आपको तब भी इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जाएगा अगर आप क्या चाहते हैं किसी एक्ट को प्रिवेंट करना चाहते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ न्यूसेंस जिसके बारे में आपको खुद ही रीजनेबली क्लियर नहीं है कि वो चीज न्यूसेंस है या न्यूसेंस नहीं है नेक्स्टली अगर कंटिन्यूइंग ब्रीच हो रहा है और उसमें आपकी रजामंदी है तो अब आप उस ब्रीच को प्रिवेंट करने के लिए इंजंक्शन नहीं मांग सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक मैगजीन अप्लाई होता है अ पर्सन इक्विटी मस्ट कम विथ क्लीन हैंड्स यानी कि अगर पहले ही आप कांड करके आ रखे हैं तो तब आप कैसे यहाँ पर इक्विटी ले सकते हैं पहले ही आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा था आपने एक्सेप्ट कर लिया अगर कंटिन्यू ब्रीच हो रहा है आपने उसको होते रहने दिया तो अब आप उसको प्रिवेंट करने के लिए इंजंक्शन कैसे मांग सकते हैं क्लोज एच में यह कहा गया है कि अगर अदर यूजुअल मोड जो होते हैं प्रोसीडिंग के उसके जरिए इक्वली एफिकेशियस रिलीफ आप ऑप्टेन कर सकते हैं तो तब भी आपको इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जाएगा बट इस चीज का एक्सेप्शन है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्लोज एच ए में वही चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जो कि सेक्शन ट्वेंटी बी जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में टू थाउजेंड एटीन में इंसर्ट किया गया था उसमें सबसेक्शन वन में कही गई है यहाँ पर ये यह कहा गया है कि अगर इंजंक्शन जो है वो क्या करता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के कंप्लीशन पर या फिर प्रोग्रेस पर इस तरह से इम्पैक्ट डालता है कि उसमें डिले हो सकता है या फिर उसमें इम्पिडमेंट हो सकता है बाधा वगैरह आ सकती है तो तब ऐसे केस में आपको इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जाएगा ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट के सूट में इंजंक्शन आपको नहीं मिलेगा और ये जो आपका क्लोज एच ए है ये भी आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सेक्शन 41 में 2018 में इंसर्ट किया गया था नेक्स्ट ली क्लोज आई में ये कहा गया है कि अगर प्लेंटिव या उसके एजेंट का जो कंडक्ट है वो खुद ही उनको डिस कर रहा है कोर्ट की असिस्टेंस लेने से तो तब भी आपको इंजंक्शन ग्रांट नहीं होगा क्लोज डे में ये कहा गया है कि अगर प्लेंटिव का खुद पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है मैटर में तो तब भी उसको इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जाएगा तो ये कुछ सर्कम थे जब आपको इंजंक्शन ग्रांट नहीं होगा और ये बताए गए थे सेक्शन 41 में टोटल 11 सर्कम थे तो यहां पर आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट होता है कम्पलीट लास्ट वीडियो में हमने लिमिटेशन एक्ट को पूरा निपटाया था तो यहां पर एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो चाहे लिमिटेशन एक्ट हो इन दोनों में आपने हर एक सेक्शन की हेडिंग ध्यान रखनी है क्योंकि प्री में बहुत डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ये पर्टिकुलर चीज कौन से सेक्शन में दी गई है और ये जो पीडीएफ है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का और लिमिटेशन एक्ट का ये आपका प्री का सिलेबस भी कंप्लीट करता है और मेंस का सिलेबस भी कंप्लीट करता है अगर आपको ये परचेस करना है तो आप उसको परचेस करने के लिए हमारे ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं और जैसे कि हम छत्तीसगढ़ जुडिशरी का बैच शुरू करने जा रहे हैं अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसको ज्वाइन करने के लिए और उसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमारे ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और जल्द ही हम मध्य प्रदेश का भी बैच शुरू करेंगे इसलिए जो भी बैच हम शुरू करते हैं हर एक चीज के बारे में अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी गो विद जीनत पर प्रोवाइड कर दी जाती है तो इसलिए आप हमारा चैनल जो है टेलीग्राम पर स्टडी गो विद जीनत के नाम से उसको जरूर ज्वाइन करें कहीं पर भी आपको अगर इस पूरे वीडियो में डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं कहीं पर भी पूछ सकते हैं सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना और ये चीज भी आप जरूर बताना कि इस पूरे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आपको सबसे बढ़िया सेक्शन कौन सा लगा और सबसे घटिया कौन सा सेक्शन लगा तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय